بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر سلام هي حتى صدق الله العظيم. खुशबखान ला इलाहा इल्लाहु अल्लाहु 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 हाँ था भी तू है भी तू था भी तू है भी तू और होगा भी तू ही तू मेरा अर्श पर मुस्तफा पहुंचे मेरा
अर्श पर मुस्तफा जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा, माबूद बंदे में पर्दा रहा, फिर मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, ये जमी जब न थी, ये जहां जब न था, ये जब न थी, मेरे मौला, ये जमी जब न थी, ये जहां जब न थी, और चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, सूरज न थे, आसमां जब न था, ये राज़े हक पर आया जब न था, हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, वो जब न था कुछ यहाँ, फकत तू ही हाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला, और दर पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, दर पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा, सपना कर खिलौने, सपना कर खिलौने रहा तू ही तू, अल्लाह 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 अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको आज आठवीं सहरी हो गई, सीरियसली आठवीं सहरी, आपको बहुत 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 मुबारक हो। मेरा हाल ना पूछिएगा, ऑल राइट। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ चीज़ें हैं जो उड़ के पहुंच जाती हैं, पता नहीं आप लोग लाए हैं या मैं ले आया हूं, लेकिन कोई ना कोई लेके ज़रूर आया है। दरवाज़ा खुलता है तो खुद बखुद, दरवाज़ा खुलता है खुद बखुद आ जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो भी इन महाफिल का लुत्फ़ उठाती हैं ना। तो एक काम कीजिएगा, ज़रा स्प्रे भी ले आइएगा। मैं लाइव शोज़ में ना ये सारी बातें कर देता हूँ, इट्स ओके। डॉक्टर सरा तस्कीर साहब यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। इतनी जल्दी रोज़े गुजर रहे हैं कि बिल्कुल एहसास, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि हम रमज़ान में हैं। मतलब मुझे ये लग रहा है कि रमज़ान में है, क्योंकि हम यहीं होते हैं, लेकिन तो गुजर चुका है। हाँ, एक हफ्ता तो आज हो जाएगा, एक अशरा हो जाएगा, दो दिन के बाद एक अशरा पूरा ख़त्म, वो डन विद वन अशरा, दो बाकी बचे, दो बीस दिन टोटल 20 दिन। आप लोग कैसे हो? एस अल्हम्दुलिल्लाह साहब, ठीक ठाक, शुक्र है खुदा। आज तुम लोगों की पसंद का टॉपिक और आप लोगों की पसंद का टॉपिक है। काश कि मैं टेलीफोन कॉल्स ले सकता तो आपकी कॉल्स लेता, बड़ा मज़ा आता। आज बता टॉपिक क्या है? मियां बीवी के हुकूक। माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह किस बात का, बहुत अच्छे टॉपिक है। हाँ, मतलब जाहिर है, मतलब माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा, सारे मुस्कुरा रहे हैं, ये चक्कर क्या है आपका? ये मतलब ये रिश्ता ऐसा क्यों है, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। देखिए ये रिश्ता है ऐसा। अच्छा, और मजे की बात है, दोनों एक दूसरे को मजलूम समझते हैं। हाँ, इस रिश्ते के बगैर गुजारा नहीं है ना। हाँ? इस रिश्ते के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, ना मियाँ का बीवी के बगैर गुजारा है, ना बीवी का मियाँ के बगैर गुजारा है। वो कहते हैं ना कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं कि फिर एक दूसरे को मिलकर रहने नहीं देते। तो वो वाली बात है हम पाकिस्तानियों। देखो बेटा, मैं ना बोल में ही रहता हूँ, तो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने ही घर जाओगे। सही बात। इसलिए ये बात याद रखना कि यू नो, बिल्कुल सही, ये मैरिज पे दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमर बना है। और किसी भी यू नो कल्चर में हो, मैरिज से ज़्यादा ह्यूमरस कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे, किसी भी कल्चर में हो, इट डजंट रियली मैटर, किसी भी उधर कोई मुस्कुरा रहा है। तुम्हारी शादी हुई भी है? कब हुई थी? मतलब मैं अभी कहने वाला था कितनी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैं जहन ज़्यादा सोच रहा था जी, कितनी कब शादी हुई थी, सॉरी दोबारा कितनी बोला था। हाँ, कब, इधर आओ तुम, 2012। इनको माइक दो यार, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। यहाँ आ जाओ, तुम आ जाओ, माइक आ जाएगा, तुम इधर आ जाओ, बस इधर आ जाओ, यहाँ बैठो तुम, ज़रा तुमसे पूछो तो सही रुदाद क्या है तुम्हारी, सुबह 2 बजे मतलब बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, नाम बताइए अपना। दे दें भाई माइक, दे दें माइक, दे दें इनको। हाँ,
नाम बताइए। नोमान, शादी कब हुई थी? 2012 में शादी हो गई थी। पसंद की शादी थी या माँ बाप ने की थी? माँ बाप ने। तो कितने बच्चे हैं अभी? दो बच्चे। बेटा वहीं रखो माइक को, बार बार यूं मत करो। अच्छा मतलब हाँ सीरियसली, कोई ऐसा नहीं, आराम से कर, आराम से रिलैक्स रहो। चाय पियोगे? अच्छा ये बताओ, लड़ाई होती है कभी बेगम से? कभी कभार। कौन जीतता है? अबे तुम्हें तो सब जानते हैं, वहाँ भी सब हंस रहे हैं तुम्हारे लिए, सब जानते हैं, सबको पता, सारे हंस हंस के पागल हो गए, सारे कह रहे हैं, मतलब कि यहाँ तक आवाज़ें आती हैं क्या? नहीं। हो सकता है यहाँ तक आवाज़ें आती हैं, वहाँ कौन जीतता है? कभी मैं कभी वो। तुम्हारी इस बात पर नुमान कोई यकीन नहीं कर रहा है। माइक तो उठाओ, क्या हो गया? इतना खौफ में क्यों मुब्तला हो गए हो? तो अच्छा किस, तुम्हारी बेगम की सबसे अच्छी बात क्या है? माइक में। जैसे कि जिंदा है वो, ये नहीं, क्या बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है? घबरा गया। अच्छा आ जाए सारे भाई, आ जाए। उस सच में घबरा गया यार, सच में घबरा गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सारे भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम बात कर रहे थे मियाँ बीवी के हुकूक की, तो बस वो एक हमें नुमान मिल गया, तो मैंने नुमान से कहा, मैंने कहा ले आ चाय ले। मैंने नुमान से कहा, मैंने कहा नुमान आप तो सुन रहे थे ना वहाँ पर खड़े हुए, तो एनीवे अच्छा ये रिश्ता ऐसा क्यों है, वजह क्या है? शोर से जो है ना, हाँ अकेले में पूछा करें जिंदगी कैसे गुजर रही है, ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता बेचारा। अच्छा स्क्रीन पे पूछ रहे तो क्या बताता आपको पे? अच्छा ये दोनों तरफ का हाल नहीं होता, एक ही तरफ का है। मेरा ख्याल है कि आई एम श्योर वो भी, उनसे भी अगर आप अकेले में पूछें तो वो खवातीन जो नहीं, वो लोगों में भी बताती है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है अकेले की जरूरत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो औरत है ना बता देती है, मर्द के लिए बड़ी इज्जत की बात होती है। मैं कैसे बताऊँ कि मेरी बीवी जो है मेरे साथ कैसा रवैया कर, अब मैं क्या बताऊँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही, मेरा एक जानने वाला है, जितनी मैं अच्छी बुरी उसको दे सकता था ना मैंने वो दी उसको, सिर्फ इसी बात पे। ओ बस क्या बताऊँ कि बीवी क्या कर रही है उसके साथ, और क्या कर रही नहीं, क्या नहीं कर रही है उसके साथ। मैं यही कहता हूँ ना अक्सर, जब कहते हैं ना मर्द ऐसा, मैं कहता हूँ यार तुम लोगों ने देखा ही कुछ नहीं है, तुम लोगों को पता ही कुछ नहीं है। और बात ये, मर्द बुरे हैं अब्बा अच्छे हैं, तो मुझे उस पर भी शक होने लगता था कि अब्बा कैसे अच्छे मर्द बुरे। तो अच्छा सारे भाई मेरे ख्याल में, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस पे करेंगे। मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगा है, मर्द बुरे हैं अब्बा अच्छे। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जुमला बड़ा कमाल जुमला है, बहुत कमाल जुमला, मर्द बुरे हैं अब्बा अच्छे। ब्रेक के बाद Alright जी, once again welcome back। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सब अच्छा है? सब ठीक हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल सही। रुबाब आप कैसी हैं? माइक में बोलिए ना, ऐसे कैसे? बिल्कुल ठीक साहिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आपकी हमने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, और आप इंशाल्लाह नजफ़ में होंगी इंशाल्लाह, तो वहाँ से हम आपको लाइव भी लेंगे बेशक। अल्लाह ताला करेगा। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज का टॉपिक बड़ा कमाल है, मियाँ बीवी के हुकूक। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जिससे भी बात करें ना, रुबा भी वहाँ मुस्कुरा रही थी, यहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं, मैंने नुमान को यहाँ बुलाया था वो मुस्कुरा रहा था, उसने कहा, मैंने पूछा आपकी लड़ाई होती है तो कौन जीतता है, तो कहता है कभी मैं, फिर चुप हो गया। उसके बाद सब लोग यहाँ पर हंसने लगे, किसी को यकीन नहीं था कि वो जीतता है। तो बताइए ऐसा रिश्ता है क्यों, ये क्या वजह क्या है इसकी? بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما ہوا اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رشتہ اتنا خوبصورت، اتنا میٹھا، اتنا گوڑا گاڑا ہے۔ مجھے تو اجازت اللہ تعالی جل شانہ نے، مجھے اجازت دیجئے، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ میں نے روزہ بھی رکھنا ہے، اس لیے میں مطلب میں اس قدر برداشت نہیں کر پاؤں گا، بس جو بھی ہے مجھے اجازت دیجئے، میں نے بڑا آپ کے ساتھ وقت گزارا، اب میں چلتا ہوں۔ مطلب ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، ہاں، اور میں نے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دنیا میں سب سے پہلے یہی رشتہ بنایا ہے۔ وہ تو بات ہے، رشتہ تو بہت پیارا ہے، کوئی شک، مزاح کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں
इस रिश्ते से मुतल्लिक ये कहूँगा कि इस रिश्ते में जो मोहब्बत का एलिमेंट है उसे बाद में रखना चाहिए, रिस्पेक्ट को पहले रखना चाहिए। जहाँ रिस्पेक्ट होती है, देखिए मोहब्बत का लेवल कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन जहाँ रिस्पेक्ट होगी वहाँ किसी भी सूरत में आप गाली नहीं देंगे सर, आप यकीन माने, आप बदतमीजी नहीं करेंगे सर, आप यकीन माने रिस्पेक्ट का लेवल भी घटता और बढ़ता रहता है और फिर इतना घट जाता है। मैं आपको देखें सच बात तो ये है, अच्छा उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मर्द कसूरवार है या सिर्फ औरत कसूरवार है, ऐसा नहीं है, दोनों चोट बराबर की देते हैं। देखें वो कहते हैं कि जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता इस दर्द को। असल में जो जोड़ों का दर्द है सिवाय जोड़ों के और कोई नहीं पहचानता जी। शायद हमारा तजर्बा फिर मुख्तलिफ, आपका तजर्बा हर मामले में मुख्तलिफ मुफ्ती साहब, हर मामले में आपका तजर्बा मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला आप जैसे तजर्बे हमारे भी करे, इलाही आमीन। साहिर भाई इशू पता है बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत अच्छे बिला शुबा कुछ अच्छा है, इशू कहाँ आता है इशू? अच्छा भाई मैं क्लियर कर दूं, सब अज़राए मजाक हो रहा है कहीं आप सच समझ लें। जब एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करता है ना, अब चाहे मर्द हो रहा हो या औरत हो रही हो, उधर से मामला खराब होने शुरू हो जाते हैं। मर्द की जो फितरत है ना, मैं हूँ ना बोलता बोलता नहीं हूँ पर मुझे पता है मैं क्या हूँ, मर्द अपने आप का ही होता है, बस एक अलग दिमाग होता है उसका, तो वो इज्जत के मारे चुप तो हो जाता है लेकिन वो फिर रास्ते बहुत सारे जिंदगी के निकालता है फिर, कि मैंने किस वक्त कहाँ कैसे जो है ना जिंदगी में सफ़र करना है और मैंने क्या करना है। हमारी औरत ये समझ रही होती है, हम हंस रहे होते हैं अपने दोस्तों में बैठे हुए, कभी बातचीत होती है ना, वो जब उसकी वाइफ कह रही होती है मेरा भैया तो बहुत शरीफ है, हम लोग बकायदा हंसी छूट जाती है दोस्तों की बैठ करके, कि अब हम तुम्हें क्या बताएं कि तुम्हारा मियाँ कितना शरीफ है, ठीक है ना। वजह क्या है कि वो टेक्निकल तो होता है ना मर्द, वो सीख जाता है कि मैंने बीवी को कैसे काबू करना है, मैंने अपनी शराफत को कैसे बरकरार रखना है। हम मियाँ बीवी के हुकूक पे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, वही मैं बता रहा हूँ हुकूक पे ही। तो मामलात यहाँ से खराब हो रहे हैं कि आप जब हावी हो रहे हैं जी, देखिए अगर औरत दूसरे को बिल्कुल अल्फाजों में मैं मुखालफत करता हूँ सिर्फ, क्योंकि हमारे यहाँ का अल्फाज इसलिए दोहरा रहा हूँ कि औरत पाँव की जूती है, अच्छा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पाँव की जूती फिर मर्द भी नहीं है ना, दोनों को बैलेंस करके चलना है। औरत का रखवाला है मर्द, अगर वो किसी चीज से रोकता है तो औरत को भी रोकना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, घर में मासी है और मर्द है, अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन घर में 10 काम करने वाले ड्राइवर है, नौकर है, चौकीदार है, कुक है, वो औरत अकेले है तो ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये दोनों के लिए खतरनाक अमल है, इसलिए कि औरत स्ट्रांग होती नहीं, है नहीं तो उधर तो मर्द है ना, औरत स्ट्रांग होती है ना, औरत अपने ऊपर कंट्रोल नहीं 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 बात आगे तो मर्द है ना, आगे तो मर्द है। मेरे ख्याल में ये तो हम एक ऐसी बात करें, औरत स्ट्रांग है तो पर्दा क्यों है, मर्द को मर्द का पर्दा नहीं है तो छोड़ दे। देखिए कल भी हमारी एक बहस हो रही थी ना, बहस नहीं हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी कि वो माफी वाला, तो फिर वो भी तो मुझे नहीं पता हदीस है या क्या है या कहावत ही होगी कि मोमिन वो मोमिन नहीं जो एक एक सुराख से बार बार डसा जाए, फिर माफ करने की बात कहाँ है। नहीं नहीं अच्छा वो माफी तो, हम उस सेंस में कर रहे थे जो कल भी बात हुई थी, वो ये था कि जब आप इस काबिल हों कि आप माफ कर सकें तो आपको माफ कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आज जो हम बात करें वो हकूक़ की बात कर रहे हैं, मियाँ बीवी के हकूक़ की बात कर रहे हैं, रही इसकी बात जो सारे भाई ने कहा है जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये बिल्कुल वेरी करता है, इसमें ये नहीं होता कि ये हाँ सारे भाई के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट हैं, वो शायद हमसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ भी हैं, और ये आई गिव यू क्रेडिट फॉर दैट ऑफकोर्स, जितना ज़्यादा आपने करीब से नॉर्मल लाइफ को देखा है वो शायद हमने नहीं देखा। साहिर भाई जो औरत मेरे कहे पे चले ना, जो औरत मीन्स वो नहीं कि मेरी औरत, मैं जो भी सुनते देखते हैं वो कामयाब रहेगी, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि मेरे अल्फाज गलत हो सकते हैं, मेरा अंदाज़ गलत हो सकता है, मेरी गुफ्तगू गलत हो सकती है मैं समझाने के हवाले से, लेकिन उस औरत को इस मुल्क में जितना तहफ़ जितना सहारा मेरे पास है ना, मैं ये कोई बड़े अल्फाजों में नहीं कह रहा, ये अल्लाह की करम नवाजी है, ये पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। नहीं नहीं अच्छा हम लोग भी नहीं मिलते, हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे जो सारे भाई कह रहे हैं। देखिए जब आप हज़ारों से भी ज़्यादा ख्वातीन से डेली डील करते हैं, डेली बेसिस पे डील करते हैं, डेली बेसिस इन द सेंस कि आपने 25 साल इस काम में लगाए हों और आपने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखी हों, तो वहाँ
ये जब ये बात करते हैं ना कि प्रोटेक्ट होनी चाहिए, तो कभी कभी औरत के हाथों औरत का इस्तेसाल है, कभी मर्द के हाथों औरत का इस्तेसाल है, कभी माशरे के हाथों औरत का इस्तेसाल है। तो ऐसी सूरत हाल में आई थिंक, मुझे लगता है कि हमारे माशरे में या किसी भी माशरे में, कोई भी दुनिया का माशरा हो, वहाँ औरत की इज्जत करना लाजिम है हर सूरत में। ये और बात है कि आज हम बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं और ख्वातीन आगे भी निकल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है अब भी वो माशरा नहीं आया है। अब भी 2024 है और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ 2024 में भी हम उस जगह नहीं खड़े हुए हैं जहाँ सोलली हम इस बात पर ट्रस्ट कर सकें कि औरत और मर्द बराबर बराबर एक साथ खड़े। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जहाँ अभी जो उन्होंने एक बात कही थी, कहीं ना कहीं ये माशरा आज भी मर्दों का है और ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है, ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लेकिन अभी हम उस जगह नहीं पहुँचे। साहिर भाई, वो तो मर्द ही नहीं जो रात 3 बजे 4 बजे औरत को मार पीट के लहू लहान करके घर से निकाल दे। कोई औरत बिन दुपट्टे के घर से निकली हो, कोई औरत बिन चप्पलों के घर से, और घर से निकलना ही बहुत बड़ा वो है, लेकिन अगर निकाल भी रहे हो तो कम अज कम इस इज्जत से तो उसको किसी मंजिल तक के पहुँचाया हो ना जाकर के। नहीं, इतना तो गिरना नहीं। मुझे देखें, आपने एक जुमला कहा था, बड़ा कमाल जुमला था वो, कि अब्बा अच्छे और मर्द बुरे। लेकिन देखें, बेटी अच्छी बीवी बुरी जी, ये भी तो दूसरी साइड है ना जी। बेटी बहुत अच्छी बहुत अजीज, लेकिन बीवी जो है वो बहुत बुरी। एक रिश्ते का वो ऐसा है ना, अब जो मियां बीवी का रिश्ता है वो एक बिल्कुल अलग रिश्ता है। उसमें अच्छा, मुझे एक बात और नहीं समझ में आती, अमूमन की बात हो रही है। बास तो ऐसे होते हो पहली रात ही अजाब होती है एक दूसरे के लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अमूमन अच्छों की बात कर रहा हूँ। 2, 4, 5, 7 साल तो सबके अच्छे गुजर जाते हैं, फिर क्या हो जाता है? वो जो एक दूसरे के लिए जहर खा रहे होते हैं वो किधर चला जाता है? वो मोहब्बत किधर चली जाती है फिर? वो मुफ्ती साहब मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। मैं एहतजाजन चुप हूँ आज। मुआशरे में हमारे बेशुमार बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम यूं नहीं कह सकते कि जनाब सारा मुआशरा ही ऐसा है, और गलती जहां होती है वो दोनों तरफ से होती है। अब हम यहाँ बैठ के ना तो किसी औरत को ब्लेम कर सकते हैं कि औरतें ही ऐसी हैं, बिल्कुल, और नहीं किसी मर्द को कर सकते हैं कि मर्द ही ऐसे हैं। सही सही, ठीक है जी। और मैंने दुनिया के अतबार से देखा, 11-12 ममालिक में मेरा भी जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूक, ये जो तहफ़ ये जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट हमारे इस मशरक़ी माशरे में मशरक़ी औरत को हासिल हैं, वो किसी और औरत को हासिल नहीं है। अब मैंने फिलिपाइन देखा, मैंने दुनिया के और बहुत सारे ममालिक देखे, वहाँ औरत को किस अंदाज से कमाना पड़ता है। और यहाँ पे अगर औरत ये चाहे ना जी कि हमारी बराबरी होनी चाहिए, तो बराबरी में आके मेरे ख्याल में औरत मजदूरी नहीं कर सकती, औरत बाहर नहीं उठा सकती, औरत बोझ नहीं उठा सकती। इन चीज़ों को, घर के जो बाहर की जिम्मेदारियाँ हैं, एक समझदार औरत, फहीम औरत समझ सकती है कि बाहर की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अल्लाह जल्ला शानहू ने उसके लिए सिर्फ मर्द ही को बनाया है, और वो जिम्मेदारियाँ मर्द ही अदा कर सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने क्या खूबसूरत बात फरमाई, फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व खैरुकुम लि अहलिही। फरमाया तुम मुझे देखो, मैं अपने घर में कैसा हूँ। अगर किसी शोहर को ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने घर में अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है, दरअसल में कुछ नाम हम माइग्रेट होके आए ना सारे भाई, हम जुदा हुए हैं बाकायदे कौम से, हिंदूइज्म से। तो हम जब वहाँ से आए तो यहाँ कुछ नाम बदले हैं। बहू का लफ्ज़ ये कहाँ से है? बहू, अगर हम आने वाली बेटी को, अपने बेटे की बीवी को बेटी समझना शुरू कर दें तो आधे मसाइल खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, ये कोई आज से थोड़ी मसला है, इवन इस्लाम से पहले का मसला है, जब से ये दुनिया बनी है तब से का मसला है। लेकिन फितरत का, इंसानी फितरत, मुझे इजाज़त दीजिए उसके बाद आप बात कीजिए, इंसानी फितरत का मसला है ये, कोई मसला हिंदुस्तान पाकिस्तान की तहजीबों का, कल्चर का थोड़ी है ये। आप बाहर, आप अभी कह रहे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं आपसे कि क्या हमारे यहाँ ठोक बजा के सिर्फ हमारे यहाँ औरत की इज्जत की जाती है। आई एम रियली सॉरी, नो, ऐसा हरगिज़ नहीं है हमारे यहाँ। जिस नज़र से, मैं माजरत के साथ, ये कौन सी इज्जत है कि आप तार तार कर दें उसको? ये कौन सी इज्जत है कि आप उठा के मीडिया पर उसको लेके आ जाएं? ये कौन सी इज्जत है कि आप सोशल मीडिया पर ऐसी की तैसी फेर के रख दें? ये कौन सी इज्जत? देखिए, ऐसे माशरे हम देखें, मुझे, हम दोगलेपन से काम लेते हैं,
मैं इस वक्त मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। अमरीका से हमारा मतलब हो, ठग से हम वहाँ जाते हैं, दोस्त है हमारा, चंदा लेना हो अमरीका में, पैसे मांगने हो अमरीका में, अमरीका में रहते हैं, वहाँ रह के पैसा कमाते हैं, अपने बच्चों को वहाँ स्कूल भेजते हैं, शादियाँ करते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं जी अमरीका तो बहुत बुरा है। सर मैं इस दोगलेपन के खिलाफ हूं। मैं मुझे आखिरी बात, आखिरी बात बहुत कम होगी। मैं अब देखें, मैं दूसरा मुल्क में अमेरिका की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं कहीं भी यूएई जैसा मुल्क में छोड़कर आया। किसका? मुझे अपना मुल्क अच्छा लगता है। किसका? यूएई। सर हमने भी छोड़ा है, मैं भी अमेरिका छोड़ के यहां बैठा हूं, मुझे भी पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ हम अलमबरदार हैं दुनिया में औरत की इज्जत के, ये बिल्कुल गलत है। नहीं शहर भाई, इज्जत क्या है औरत की? इज्जत यह है कि अभी रात 3 बजे भी हमारी औरत अगर किसी मजबूरी में या शौक में रोड पर टहलने जा रही है तो उसको तहफ्फुज़ होना चाहिए, वो औरत की इज्जत है। ये औरत की इज्जत नहीं है कि भाई के साथ, बेटे के साथ, बाप के साथ जा रही है, शौहर के साथ जा रही है और आप उसको तार तार कर रहे हैं, ये इज्जत नहीं है। या हम उसको इज्जत बता रहे हैं कि जी हमने घर में बिठाया, हम कमाने नहीं दे रहे, तो कह रहा हूं सर, हाँ, तो ये इज्जत तो, नहीं ये तो पूरी दुनिया है। इज्जत वो है कि हमारी औरत हर जमीन के हिस्से पे हमारे मुल्क के बाहिफाजत हो, बस वो इज्जत है। देखिए वही बात है, तहफ्फुज़ और है, वही इज्जत है, वही तहफ्फुज़ है मेरी निगाह में। नहीं आप इज्जत की बात कर लें, तहफ्फुज़ की बात कर लें, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा माशरा है हमारा या किसी और का कि जहाँ ये जंग सदियों से चलती आई है और सदियों से चलेगी। मैं सिर्फ, और जो आपकी एक बात है वो बिल्कुल ठीक है, उससे कोई इनकार दुनिया में नहीं कर सकता कि जो नबी ने कह दिया वो हर्फ आखिर है। तुम मुझे देखो, मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं ना कि हमारी बेगमात हमारे साथ बुरा सलूक करती हैं, उस वक्त कभी आपने नबी की उस हदीस पे, उस अमल पे अमल करके देखा जो वो किया करते हैं? आप कहते हैं कि जब घर में दाखिल हो तो मुस्कुराओ, और ऐसा नहीं है, ये तो बात तय है, आप हुजूर की बातें मान लें ये, और चलना आसान नहीं है उस पर, यकीन मान लें दुनिया और दीन दोनों दोनों फला पा जाएंगे। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक पार लगा जाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, जनाब शहरयार दाऊद साहब, कैसे हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो वेरी मच, यू लुक वेरी फ्रेश, बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप। दैट्स गुड, अच्छी बात है ये। आज बिल्कुल आराम नहीं किया तो आपको फ्रेश लग रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं, आपको बड़ी मजे की एक बात बताता हूँ। क्या? ये अंदर वो बच्चा जो पफिंग शफिंग करता है ना, मैंने उससे आज लिखवा लिया, मैंने कहा अपना नंबर दे दे अपने बेटे को, मैं दूंगा। हाँ। क्यों? वजह बताओ। मैंने कहा जब मौत तो आनी है ना एक दिन, मैं कहा यार मर जाऊंगा ना तो तुम जरूर आ जाना, तुम बड़ा अच्छा नूर फैला देते हो चेहरे पे। अच्छा मर गए खुदा ना करता गुनाहों के सबब मुंह काला हो गया तो यार ये कम से कम घोरा तो कर देगा। अल्लाह ना करे, हमारे यहाँ तो फतवे वहीं मिल जाते, जन्नती है दोज़खी है। अच्छा मियां बीवी के हुकूक पे बात हो रही है, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह। मियां बीवी के हुकूक बहुत सारे हैं, मुफ्ती साहब ने बयान किए होंगे, आपा ने भी बयान किए होंगे, मैं तो सिर्फ एक हक जानता हूँ, एहसास, जो यकीनन मैं भी नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अर्ज़ किया था कई दिन पहले भी शायद यहाँ पर, कि कोई हवाओं में उड़ रहा हो, कोई पानी पे चल रहा हो, किसी के लोग हाथ पांव चूम रहे हो, वलीउल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह कह रहे हो, तो घर जाके उसकी बेगम से पूछने लगा है। अगर वो खुश है तो ये वाकई वलीउल्लाह है, और अगर वो खुश नहीं है तो उसका विलायत से कोई ताल्लुक नहीं है। सॉरी टू से, दीज आर दी वेरी वेरी ट्रू एंड क्या कहते हैं, कड़वे बिटर ट्रूथ्स हैं। हम लोग हर एक को जो है ना अपना पीर बाबा बना लेते हैं, बनाना चाहिए, बुजुर्ग हैं, अच्छी बात है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की देखें हम सीरत मुबारक, आका अलैहिस्सलाम की, हमारी हर हर उम्महातुल मोमिनीन यही फरमाती थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम छुप छुप के पता नहीं किसके साथ चक्कर चला रहे हो। हम दोनों की बात करें ना, हम बैलेंस के साथ करें, बिकॉज जिस वक्त यहाँ पर लोग बैठे हैं
तो वो कुछ लर्न करने के लिए बैठे। लेट्स नॉट बी बिटर अबाउट द टॉपिक्स, टॉपिक्स के बारे में बिटर नहीं हमें होना, हमें बात करनी है रसान के साथ, हमें बात करनी है मोहब्बत के साथ। देखिए बहुत हो गया, हमने डिविजन्स बहुत देखे इस मुल्क में, बहुत देखे, पोलिटिकल डिविजन्स देखे, सोशल डिविजन्स देखे, इमोशनल डिविजन्स देखे, हमने बहुत देखे। टाइम इज़ टू राइज एंड से कि हम साथ मिलके अपने अख्तिलाफात को भी दुरुस्त कर सकते हैं, साथ मिलके हम लर्न कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे मियाँ बीवी के हुकूक की, इसी पे हम टॉपिक पे रहेंगे। जी आपका क्या कहना है? मेरा ये ख्याल है कि औरत का मैदान अमल कुछ और है, मर्द का मैदान अमल कुछ और है। हमको अपनी अपनी ड्यूटीज़ अदा करनी है अपने अपने दायरे कार में रहकर, तभी हमारा घर जन्नत का नमूना बन सकता है। मैं यहाँ पर बतौर मिसाल कल की ही बात है कि वो घराने अजीम हैं, लेकिन बतौर मिसाल हम उन्हीं का तस्करा कर सकते हैं। आकाए दो जहाँ वाली कौन मकान ताजदार अम्बिया और मुरसलीन, ख़त्म अम्बिया और मुरसलीन, सैयद व सरदार अम्बिया और मुरसलीन, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी शहजादी कौनैन जनाब फ़ातिमा तुज़्ज़ारा सलामुल्लाहि अलैहा, जब ब्याह कर मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा के घर में तशरीफ़ लाईं, तो रिवायत ये कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ज़िम्मेदारियों को तकसीम किया कि मालूम था कि हज़रत अली इस्लाम के एक मुजाहिद हैं और मुजाहिद मैदान जंग में होता है और इंसान मैदान जंग में या किसी भी महाज पर मोर्चे पर उस वक्त लड़ सकता है जब उसके मालूम, जब उसको ये मालूम हो कि पीछे कोई ना कोई उसको डिफेंड करने वाली हस्ती मौजूद है। तो रिवायत ये कहती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के कामों को तकसीम कर दिया। जनाब फातिमा बिनते असद उस वक्त हयात थी, मौलाए कायनात हज़रत अली की वालदा मोहतरमा, और घर के बाहर के जो काम थे वो जनाब फातिमा बिनते असद के सुपुर्द किए गए और घर के अंदर के काम जनाब फातिमा बिनते मोहम्मद के सुपुर्द किए गए। और शहजादी कौन है? जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने शुक्र परवरदिगार अदा किया कि अल्लाह ने मुझे वो काम अता किया जो बेहतरीन काम है। तो आज की औरत, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रही हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर जो भी अपनी हदूद से क्रॉस करता है तो यकीनन वो माशरे को डिसबैलेंस करता है और अपने घर को भी मुतवाजन नहीं रख पाता। लेकिन आप देखिए, हम कैसे आज के माशरे में आप कैसे तयन करेंगे कि हदूद क्या है? देखिए अगर हम ये बात करते हैं, फर्ज कीजिए मैं अपनी बेटी की बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़ारा ज़िंदगी में सब कुछ करे, मैं चाहता हूं कि ज़ारा ज़िंदगी में नाम पैदा करे, मैं चाहता हूं ज़ारा ज़िंदगी के अंदर हर वो ख्वाब जिए जिसको मैं। देखिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे ना, मैं सारे भाई से भी कहता हूं, किसी और से भी कहता हूं कि हम जब तक इससे, हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा क्या है, बीवी अलग है और बेटी अलग है, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम जो अपनी बीवी को किसी की बेटी का दर्जा नहीं देते, हम उसको अपनी कमोडिटी समझते हैं। जब तक हम उस कमोडिटी की उससे बाहर नहीं निकलेंगे ना, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक जीता जागता शख्स है विद एहसासात, विद एम्स एंड एम्बिशंस। मैं आपको बताता हूं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी तालीम भी शादी के बाद कंप्लीट की। मैं खुद मिसाल उसके सामने मौजूद हूं। आपकी मिसाल, आपके हस्बैंड, यू आर हियर टुडे बिकॉज ऑफ यू नो आपके हस्बैंड की लाजवाब सपोर्ट थी, यू माशाल्लाह यू फिनिश्ड योर डॉक्टरेट। तो टू मी ऐसे आप ख्वाब जिए, हाँ बिल्कुल जाहिर है, लेकिन मॉरल बाउंड्रीज जो हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मॉरल बाउंड्रीज खवातीन के लिए हैं तो वही मॉरल बाउंड्रीज मर्द पे भी अप्लाई होती हैं। इट जो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए जो मॉरल बाउंड्रीज होंगी वो तो दोनों पर उसका इतलाक होगा, इतलाक एक पे नहीं हो सकता। आप बरी जिम्मा नहीं कर सकते किसी एक को कह के कि नहीं जी मैं मर्द हूँ तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि जी मेरी ही चलेगी और मेरा सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा दूसरी बात, अगर हम ये कहते हैं कि जी मर्द बहुत ज़्यादा मर्दानगी उसके अंदर है, सभी कुछ हमने मान लिया जी, बट हियर इज माई क्वेश्चन, मैंने जब ज़ारा को पहली मर्तबा अपनी गोद में लिया, ऐसे हाथ में लिया, शी वॉज अ प्रीमी, 15 दिन की थी वो, तो मैंने उससे प्यार किया और मैं अपनी वालदा के पास गया, दैट इज़ द फर्स्ट डे मैं अपनी माँ का फर्मा बरदार तरीन बेटा हूँ, फर्मा बरदार तरीन मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में, लेकिन मैंने अपनी अम्मा से रो के माफ़ी मांगी थी उस दिन, दैट डे आई रियलाइज्ड। नो देखिए हम बहस कुछ भी करें लेकिन हम किसी एक फर्द को ब्लेम, ये इट टेक्स टू टू टैंगो, बिल्कुल सही। हम कभी, मैं एक मिनट जरा मिराल की तरफ चला जाऊं फिर उसके हम ये पता कर लें कि पक क्या रहा, उसके बाद मैं उठता आपकी तरफ। मिराल सलाम अलैकुम, माइक खोलिएगा इनका। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कर रही हैं आप?
आज बेसिकली हमारे पास झटपट सी बनने वाली दो रेसिपीज़ हैं. एक तो मेरे पास कोरियन स्क्यूअर्स हैं, मैं आपको दिखा दूँ. इस तरह की हमारी स्टिक्स में होंगी, कोरियन सॉस में बनेगी, वेरी नाइस, स्वीट एंड स्पाइसी टच के साथ. ओके, ठीक है. हम इसमें हनी और सोया सॉस का यूज़ करते हुए मुख्तलिफ सीजनिंग के साथ इसको बनाएंगे. ठीक है. एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव खजूर के लड्डू, क्योंकि लड्डू एग्जैक्टली Yes. खजूर के लड्डू. Yeah, it's very innovative. जब basically just I have to go there and see. मैंने खजूर के लड्डू कभी नहीं देखे. I have never seen. You will taste inshallah today. Yeah, yeah. Okay. तो मुझे बताइए कैसी है. देखिए साहिर भाई, एक्चुअली होता क्या है, आजकल के इफ्तार में इनविटेशन हमारे पास आ रही होती है और हम तरह तरह के क्यूजीन ट्राई कर रहे होते हैं. लेकिन अब मैंने रिसेंटली जो दो इन्वाइट्स लिए हैं उसमें सहरी की इन्विटेशन भी अब आ रही हैं. तो आज मैं बेसिकली सहरी डिलाइट्स की तरफ जा रही हूँ. ठीक है, सहरी डिलाइट्स. एग्जैक्टली, आई लव द वर्ड सहरी डिलाइट्स. ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा जी, है जी. तो इसमें हम एक डेजर्ट साइड और एक जो है हम अपनी यू नो इनोवेटिव से कोरियन, क्योंकि के ट्रेडिशन एवरीवेयर इज गोइंग ऑन, तो सोचा कि चलें एक के भी कर दें. सी व्हेन दे टॉक लाइक दिस के ट्रेडिशन एंड ऑल दैट, तो मैं अपने आप को ना बिल्कुल ही बहुत आगे वाला समझता हूँ. बट एनीवे, आज खजूर के लड्डू हमारा इंतजार कर रहे हैं. ये हमारी स्वीट डिलाइट है और इसके साथ साथ आई थिंक ये कोरियन स्क्यूअर्स कहलाते हैं. ओके, ऑलराइट जी, ऑलराइट. इसे हम स्वीट और स्पाइसी. मुझे वो ढाबे का अंडा दोबारा कब बना रही है? ढाबे का अंडा भाई, इट्स अ हिट. ढाबे का अंडा कब बन रहा है? इंशाल्लाह नेक्स्ट में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद. जल्दी आ
जहां तजल्लिया सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है दोनों की, क्या बात है, समा बांध दिया भाई आप लोगों ने, क्या बात है। आप लोगों का फैन तो मैं वैसे ही हूँ, लेकिन कमाल कर दिया है, मतलब जबरदस्त खूबसूरत खूबसूरत पढ़ा दोनों ने, बड़ा कमाल पढ़ा। मुफ्ती साहब अब आ जाते हैं हुकूक की तरफ। जी सर, क्या इरशाद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में ज़ाब्तों से, कुलियों से, कायदों से बढ़कर उन चीज़ों को साइड पे रख के हुस्न अखलाक से ये रिश्ता ज़्यादा निभाया जा सकता है। बेशक अगर आप ज़ाब्ते को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की बीवी पाबंद नहीं है। बहुत सारे मामलात में शोहर बरी ज़िम्मा हो जाता है। बिल्कुल सही। और अगर आप हुस्न अखलाक को देखेंगे तो ये रिश्ता बहुत दूर जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। हुस्न अखलाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम अपने घर में ऐसे रहो जैसे मैं रहता हूँ। क्या बात है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे रहते थे? आप हजरत सय्यदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखें, कैसा रिश्ता है। दुनिया में अगर रिश्तों की मिसाल दी जाए ना मियाँ बीवी की, तो एक रिश्ता तो ये है जो हुजूर का और हजरत सय्यदा आयशा का है। सुभान अल्लाह। दुनिया में दूसरे रिश्ते की अगर मिसाल दी जाए तो एक रिश्ता ये है जो सय्यदा फातिमा और हजरत सय्यदना अली अल मुर्तज़ा का है। बिल्कुल सही। हजरत सय्यदा फातिमा जब तक अपने वालिद गिरामी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहीं, हमेशा सलाम में पहल हुजूर ने फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप कह रहे थे ना मैं 15 दिन की बेटी को उठाया, तो क्लिक करके मेरे जहन में बात आई कि मैंने कहा आज के साहिर लोधी के दिल में 15 दिन की बच्ची की इतनी मोहब्बत है कि वो माँ के पास दौड़े चले गए। तो 1400 साल पहले जनाब रसूलुल्लाह की फातिमतुज़्ज़हरा के लिए क्या मोहब्बत होगी, सईदा ज़ैनब के लिए क्या मोहब्बत होगी। मैं बात बात मुकम्मल कर, बिल्कुल बिल्कुल। और यही फातिमतुज़्ज़हरा जब अपने शोहर के घर जाती हैं, हाँ, तो सारी जिंदगी कोशिश करते हैं हजरत अली के मैं भी सलाम में पहल करूँ, वहाँ हजरत फातिमा सलाम में पहल करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्याल में मेरे उस्ताद मोहतरम थे हजरत शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी, उसका जो दिबाचा है उसमें ये बात, मुकदमे में ये बात लिखी गई है कि सबसे खूबसूरत इस रिश्ते को निभाने का तरीका ये है कि यहाँ कायदे कुलिये ज़ाब्ते ना देखे जाएँ, उसने अखलाक देखा जाए। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। आपने कहा पहले, तो हम पहले उस तरफ आते हैं। मैं आपको और सारिम भाई जानते हैं, सारिम भाई के सामने सब कुछ हुआ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी कुछ 1.25 साल पहले की बात है जी, मेरी बेटी ने एक वो जो कॉर्नर टेबल होती है उसका ग्लास गिरा लिया, थोड़ी सी उसका फ्रैक्चर आ गया हल्की सी उंगली में, हो जाता बच्चे खेलते। मैं लिटरली रातों को नहीं सोया हूँ। अच्छा ये तो बिकॉज ज़ाहिर है बेटी है। मुझे एक बार याद है, और ये मैं जब भी याद करता हूँ मुझे अजीब सा लगता है, उसको सर्दी लग रही थी मेरी बेटी को, तो उसके होंठ ना हल्के हल्के से ना उसको ऐसे ठिठर रही थी। मैंने उसको गोद में उठा लिया ऐसे, और 1 माह की होगी वो, 1 माह 1.25 माह की होगी, और मुझे ये नहीं पता था, ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसको क्या महसूस हो रहा है। मैंने अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ की, अल्लाह मियां इसकी जो तकलीफ़ है वो मुझे दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो भी तकलीफ़ है इस बच्ची की वो सब मुझे दे दे मेरे मालिक, मेरे रब करीम, मुझे, बिकॉज मुझे नहीं पता ये किस चीज़ से गुजर रही है, ये मुझसे बात नहीं कर सकती, लेकिन इसकी सारी तकलीफ तू मुझे दे दे। अब आपकी मैं उस बात पे आता हूँ जो आपने बड़ी कमाल बात की है।
सलाम में पहल की। अब अल्लामा इकबाल एक जगह फरमाते हैं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। रीज़न क्या है, रीज़न बताता हूँ। ये हमारा कल्चर था कि हमें सलाम करना है, पहल करनी है, लेकिन ये आपने मगरिब में देखा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। हमारे यहाँ तो हम उठते हैं तो एक अजीब सी वहशत तारी होती है हमारे चेहरे पे। मुझसे किसी ने रोक के मुझसे पूछा, आप सलाम करते हैं छोटे बड़े को क्यों? मैंने कहा भाई मेरे मजहब में ये क्या बात है कि मैं आप यहाँ, मैंने पाकिस्तान में, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, अमेरिका में या इंग्लैंड में या कहीं और आप आसपास आप जाके आप घूमें, आपको पता है आप जिसको भी देखें वो एक दूसरे को ग्रीट करता हुआ नजर आता है, गुड मॉर्निंग, हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये कल्चर हमारा था, ये कल्चर हमारा था, ये तालीम हमारी थी। बेशक। और ऐसा नहीं है कि उनकी तालीम नहीं थी, उनकी भी तालीम थी। ये भी हम लोगों को गलत बताया जाता है उनकी कोई तालीम नहीं थी। अरे भाई वो भी एक कौम है, पूरे कल्चर से गुजरे हैं, पूरी चीज़ों से गुजरे हैं, उनकी भी तालीम थी। बट एट द सेम टाइम हमने अपनी सारी तालीमात को ख़त्म कर दिया, सारी तालीमात को हम फरामोश करके बैठे। जी आपा, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि हमने अपनी तालीमात को एक जानिब हमें ये भी नज़र आता है कि ख़त्म हो गई हैं, दूसरी जानिब हमें नज़र आता है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि जन्नत के नमूने हैं, और वो जो जन्नत के नमूने हैं वहाँ पर मर्द को अपनी बाउंड्रीज पता हैं, औरत को अपनी बाउंड्रीज पता हैं, अपनी अपनी हदूद में अपनी अपनी लिमिट में रह के जब काम करते हैं तो वो घर जन्नत के नमूने बन जाते हैं। बहुत और मुफ्ती साहब ने सही फरमाया कि घर अखलाकियात से चलते हैं। अच्छा, आप जन्नत के नमूने की तारीफ तो मुझे बता दीजिए, मैं जानना चाह रहा हूँ। जन्नत के नमूने की तारीफ ये होती है कि जहाँ पर मर्द और औरत एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का लिहाज करें। और मैं देखती हूँ कि कहीं पर मर्द ज़बरदस्त होता है, औरत ज़ेरे दस्त होती है, कहीं पर औरत ज़बरदस्त होती है, मर्द ज़ेरे दस्त होता है, और बहुत सारी जगहों पर औरत और मर्द दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो वही घर जन्नत के नमूने होते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बात की आपने, कि वाकई मैंने पहले ही जो जुमला अर्ज़ किया था कि ये मियाँ बीवी के हकूक तब ही पूरे हो सकते हैं जब दोनों एक दूसरे का एहसास करें। लेकिन हम इस माशरे के अंदर देखते हैं हमारे साथ मसाइल ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा मसला फाइनेंस का है, बजटिंग का है, ख्वातीन चाहती हैं कि क्या बात है सर, मैं आपको, मैं ऑनेस्टली थैंक यू, और आपके पीछे हमारे जो कैमरा मैन है उन्होंने भी ऐसा सर हिलाया, सर क्या बात सबसे बड़ा मसला ये मैं आपको बताऊं सर, सारा इश्क निकल जाता है, सारी मोहब्बतें निकल जाती हैं, सब पता चल जाता है। बीबी जी तब जवाब आपका मोहब्बत से जवाब देगी कि जब आप उसको आके ऐ फाड़ मेरी जान, ऐ कुछ ले आया मैं तेरे वास्ते। अच्छा, ये 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 सिर्फ बीबी से क्यों है? बीबी के अलावा किसको देंगे? नहीं नहीं, बीबी के अलावा की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जब हम ये बात करते हैं तो बीबी के भी हुकूक होते हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ ना, हकूक सारे के सारे डिपेंड करते हैं फी जमाना फाइनेंस के ऊपर, आप माने या ना माने, ये तो नहीं है, करते हैं, करते हैं बिल्कुल, तो इसमें इस कोई शक नहीं करते, मैं इससे बिल्कुल बैक नहीं जाऊंगा। हाँ, ये हकीकत है कितनी, हाँ शुरू के दिन शादियां होती हैं, सब दोनों एक दूसरे को कितना अच्छा समझते हैं। अच्छा, मैं समझ रहा था कि आप फाइनेंस दोनों तरफ का कह रहे हैं कि फाइनेंस अगर बुरा हो तो दोनों तरफ खराब हो जाती है सिचुएशन। नहीं नहीं नहीं, जारी बात है, ये मर्द की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अच्छा, जहाँ फिर दोनों वर्किंग हो, लड़की भी कमा रही हो, लड़का भी कमा रहा हो, तो वहाँ पर भी थोड़े से प्रॉब्लम आ जाते हैं। देखो इस्लाम ने कितना ज़बरदस्त तहफ़ुज़ दिया खातून को, अगर तुम कमा रही हो ना तो वो तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे मियाँ का पैसा तुम वो भी तुम्हारा है, ठीक है ना। मियाँ का राइट नहीं है कि वो बीवी से मांगे, चल भाई तू इतना कमा के लाइए, चल। हाँ, वो अगर शेयर करती है घर के फाइनेंस में, चल भाई ये किराया देना है, बिजली का बिल देना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, ये वो, उसमें अगर दोनों मिल के करते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, फिर घर बनता है कि जन्नत का नमूना, जिसमें दोनों नमूने एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल करते हैं। सर मगर सर हम मैं सर, फिर शरियार भाई जो है ना, माशाल्लाह हमारे तो भाई हैं, ये बहुत समझदार हैं। हाँ। इन्हें पता है टीवी ख्वातीन ज्यादा देखती है, तो ये जब भी बात करेंगे ना अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात करेंगे कि वो सारी ख्वातीन खुश हो जाए। जरूरी नहीं किया जनाब के ख्वातीन। सर एक सवाल मुझे आ रहा है,
बहुत ज़ोर से आ रहा है, मैं ज़रा कह दूँ वो दो बातें। हालात यूँ भी तो ख़राब हो जाते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी बीवी नौकरी ना करे और वो बज़िद है कि मैं ये नौकरी करूँगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी उस जगह ना जाए, वो बज़िद है कि मैं जाऊँगी। ठीक, अच्छा अगर अब उनकी मर्जी है, वो बात वही है कि हमें तो मौलवी से पूछना है, मुफ्ती से पूछना है, उसने कह दिया नहीं जी दीन इजाज़त देता, अच्छा जी चुप हो गए। अब ये इसमें दूसरा सवाल ये है कि अगर मर्द ये चाहता है कि मेरी बीवी पर्दा करे, दुपट्टा ले या अबाया ले और वो नहीं लेती, तो भी हालात खराब होते हैं। इस पर देखिए, इस पे गुस्सा आना चाहिए, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। अगर शोहर मना करता है तो बीवी पाबंद नहीं काम करेगी वो, नहीं तो इससे हालात खराब होते हैं ना, इन्हीं बातों से खराब होते हैं। लेकिन सारिम भाई, अगर कोई औरत अपने वालिदैन के घर पे 15 16 17 18 20 साल रही है और अगर आपके साथ 30 साल से रह रही है, तो फिर यकीनन आप अपने असरात उस औरत के ऊपर छोड़ सकते हैं। अरे बहन, ये बड़ा आसान है कहना, हर औरत यही कह देती है, ऐसा होता नहीं है। सारिम भाई, मैं एक छोटी सी बात है, अमली नहीं है। सारिम भाई बात सुने, कोई औरत बेवकूफ नहीं होती, अपना घर नहीं तबाह करना चाहती, वो हालात को देख करके बेवकूफ होता है, घर तबाह कर देता है। मर्द बात नहीं, मर्द के अंदर एक, अच्छा मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम इसको यहीं से कंटिन्यू, आई एम सॉरी, सियासत होती है, ये जरा खातिर के खिलाफ नहीं बोल सकते। नहीं, जहाँ वो गलत है सो गलत है, हम कहते हैं बिल्कुल। अच्छा मुझे लगता है हम हुकूक के बारे में बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन बेहतर है, उसके बारे में बात करें। और जहाँ इस बात की बात है, तो सर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुझे इजाजत दीजिएगा, उसके बाद आप लोग ब्रेक ले लीजिएगा। सर बहुत अच्छी बात है, प्लीज बात ना कीजिए, बात ना कीजिए, प्लीज 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 एक सेकंड इनको मना कर दीजिए, प्लीज बेटा बात नहीं, यहाँ तक आवाज आती है, प्लीज डोंट। जब इसके बारे में बात आती है ना कि जी अगर वो शेयर करे और ये करे और कमा ले, मैं ऐसे हजारों केसेस जानता हूँ जहाँ पर बीवी ने काम करना शुरू किया, पहले तो बहुत खिलाफ थे, उसके बाद उसने काम करना शुरू किया, उसकी हड्डियां बूढ़ी हो गई, लेकिन आपने काम नहीं छुड़वाया। ठीक है, बिल्कुल सही वो है। सर जब मैं बात सुन सर, हम ना भी हम बड़े चला, हम बड़े जबरदस्त हो गए। अच्छा दूसरी बात इससे भी बड़ी बात सर, ये कहां की शराफत है कि बीवी को आप ये भी कहें कि आप बाहर काम करने जाएं, जब वो बाहर काम करने जा रही है तो आपके बराबर का मर्द है, लेकिन जब वो आपके घर आएगी तो आपके बच्चों की माँ भी है, आपकी माँ की माँ की बहू भी है, आपके खानदान की बहू भी है, वो किसी की मतलब उसके बाद आप उससे हर वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं जो आप एक बीवी से एक्सपेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम मैं वकालत नहीं कर रहा इस बात की, लेकिन देखें मुझे तकलीफ किस बात की होती है जब हम सारा ब्लेम उठा के ह्यूमर के अंदर भी औरत पर डाल देते हैं और ये कहते हैं नहीं जी ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। एट द एंड ऑफ द डे इसमें दो लोग सवार होते हैं इस कश्ती के अंदर, और उन दो लोगों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको ओपन करते हैं। रात थी और पुर सुकून
शब्द तो जा बे जमाल ही और रुख मुस्तफा की रोशनी नबी जी रुख मुस्तफा की रोशनी और इब्रील खुद तो उड़ न सके होश उड़ गए मेराज में मकाम मोहम्मद को देख कर कुरान पाक है बरमला कुरान पाक है बरमला वसनत जमी उखसाली ये कुरान पाक है बरमला वो सरा पर रहमत किबरिया के हर एक पे जिसका करम हुआ वो सरा पर रहमत किबरिया के हर एक पे जिसका करम हुआ के हर एक चीज चमक उठी ये हर एक चीज चमक उठी कशप तो जाबे जमाल ही ये हर एक चीज चमक उठी मेरा दीन अंबर वारसी व खुदा है इश्क मोहम्मदी मेरा दीन अंबर वारसी मेरा दीन अंबर वारसी मेरा दीन अंबर वारसी वारसी मेरा जिक्र फिक्र है बस यही मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लू अलैहि व आलिहि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें एक जगह आती है जहां आप कहते हैं कि हर एक चीज चमक उठी कशफत दुजाबे जमाले। क्या बात, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या पढ़ा है आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इससे बड़ी कोई हकीकत है भी नहीं। दिस इज व्हाट इट इज। ये जो कायनात बनी है ये सारी की सारी जितनी बड़ी ये मेरे नबी का एजाज है और इसके अलावा कुछ भी नहीं सिवाय। और क्या बात है आपकी, क्या बात है। और जो लिखा गया है ना, ये जो एक मिसरा है ये बड़ा कमाल, बहुत कमाल मिसरा है कि हर एक चीज चमक उठी कशफत दुजाब जमाले। ये सारा जो जमाल है उसी उनकी वजह से सब कुछ है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं हुकूक अजदबाजी जिंदगी और जौजियत पे बात कर रहे हैं, मियाँ बीवी के हुकूक पे बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब शुरू कीजिए, फिर मैं अल्लामा साहब की तरफ जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं कलाम करूँगा आका करीम अलैहि सलातु व तस्सीम की नूरानियत के मुतालिक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा मुबशिरा व नदीरा व दाईयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सुभान अल्लाह।
میں ترجمہ کروں تو اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات اولین و آخرین کا گواہ بنا کر بھیجا سبحان اللہ و مبشرہ ہم نے آپ کو جنت میں پہنچانے والا بنا کر بھیجا کیا بات و نذیرہ ہم نے آپ کو جہنم سے بچانے والا بنا کر بھیجا کیا بات و داعیا الی اللہ سب سے بڑھ کر یہ کہ رب سے ملانے والا بنا کر بھیجا سبحان اللہ بس باذنہ و سراجا منیرا اور ہم نے آپ کو چندے آفتاب چندے مہتاب بنا کر بھیجا سبحان اللہ تو یہاں پر منیرہ کی قید لگائی کہ سورج تو غروب ہو جاتا ہے میرے مصطفیٰ کا نور ہے سورج سے بڑھ کر کبھی غروب نہیں ہوتا سبحان اللہ اور سورج چمکتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے ذرے بھی چمکتے ہیں اور سورج چھپ جاتا ہے تو پھر رات کو چاند اور تارے دکھاتا ہے تو سورج جب چمک رہا تھا تو صحابہ کو چمکا رہا تھا اہل بیت کو چمکا رہا تھا اب چھپ گیا ہے تو اب تارے دکھاتا ہے کسی کو داتا ہجویری کہتے ہیں کسی کو خواجہ اجمیری کہتے ہیں کسی کو بابا غازی کہتے ہیں کسی کو کرما والے گنجے کرم کہتے ہیں کسی کو حضور گنجے شکر کہتے ہیں تو اب تارے دکھاتا ہے تو وہ تو سب کو چمکا رہا ہے اولین کو بھی آخرین کو بھی اب آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں اسی چیز سے استفادہ کرتے ہوئے تعریف مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ دیکھیے انسان کی زندگی کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں اسے زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے اسے پہننے کے لیے لباس چاہیے اور اسے افزائش نسل کے لیے نکاح چاہیے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائی برتھ انسان کے اندر یہ اس کی انسٹنکٹ بنائی ہے یہ اس کی جبلت کا تقاضا ہے کہ وہ ایک لائف پارٹنر چاہتا ہے دیکھیے اگر میں اپنی بات کروں تو ہم کسی کے قریب ہونا پسند نہیں کرتے کسی کی فاؤل اسمیل آتی ہے کسی کی پسینے کی اسمیل آتی ہے کسی کا وہ آتا ہے لیکن میاں بیوی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رشتہ رکھا ہے اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کو افزائش نسل کا سبب بنایا بلکہ قرآن کا ازواج لتسکنوا الیہا تم اس لیے شادی کرو کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے تمانیت حاصل کرو ایک دوسرے سے قوت حاصل کرو ایک دوسرے کے باہم دستگیر بن جاؤ لہذا یہ جو رشتہ ہے یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے اور اسلام نے اس کو اس طرح ضمانت دی کہ فرمایا اعلنوا هذا النکاح جب بھی تم نکاح کرو تو اعلان کرو یہ نہ ہو کہ کل جانے والا تم پر کوئی الزام لگائے کہ تم کس خاتون کے ساتھ جا رہے ہو تو اعلان کی صورت یہ کہ کم از کم دو گواہ ہوں اور وجعلوه في المساجد جب بھی نکاح کرو تو مساجد میں منعقد کرو یہ اسلام کا ہے آقا قریب آج آپ دیکھیے دنیا کے اندر جیسے جیسے انسان اپر ورلڈ اس رشتے سے اپنی فطرت سے دور ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں افزائش نسل وہاں پر ختم ہوتی جا رہی ہے اس لیے کہ انسان اپنی فطرت سے ہٹ کر ان نیچرل چیزوں کی طرف جا رہا ہے لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من احب فطرتی فلیستن بسنتی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے فطرت انسانی سے محبت ہے آج کل تو دو مذہب ہیں نا ایک اسلامی مذہب ہے ایک انسانی مذہب ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ لکھا ہوا میرا مذہب ہی انسان ہے نہیں صاحب اسلام میں انسانیت ہے انسانیت میں اسلام نہیں ہے اسلام میں جب آ گیا تو اس سے بڑھ کر انسانیت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے لہذا حضور نے فرمایا احب فطرتی فلیستن بسنتی ومن سنت النکاح اور میری سنت نکاح اور ایک حدیث من تزوج کیا سبحان اللہ فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی وکما قال حضور نے فرمایا کہ جس کسی نے نکاح کر لیا ازدواجی زندگی استوار کر لی تو گویا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا یہاں رک جائیے بیکاز مجھے بریک لینا بریک کے بعد علامہ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں اور کوشش کریں کہ ہم حقوق بھی کور کر سکیں میاں بی بی کے دونوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی کور کر سکیں بریک جی ملتے ہیں بریک کے بعد میرے دل میں
करों से ताजदार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है रबाब, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ा है। अच्छा, इससे पहले कि हम अलामा साहब की तरफ जाएं, मिराल आर यू डन, हो गए? अच्छा ओके जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। लेट मी जस्ट सी कि क्या बना है। लड्डू भी हो गए हैं, खजूर के लड्डू, ऑल डन, ऑल दिस इज रियली नाइस। दिस इज, आप थोड़ा कम नहीं बनाया आपने, थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहिए था, इतने सारे लोग हैं। ये तो मतलब एक्चुअली प्रेजेंटेशन के लिए प्लेटिंग के हिसाब से मैं क्वांटिटी बना रही होती हूँ, लेकिन चीजें रखी हैं, इफ यू से तो मैं और बना देती हूँ। नो नो, हां मेरे ख्याल में बना दे तो ज्यादा बेहतर होगा। श्योर श्योर श्योर, मैं बना। इकराम तशरीफ फरमाए, हां ख्याल रखिएगा। नहीं अच्छा, ये खजूर के लड्डू तो बहुत ज्यादा है, तो दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। हां ये थोड़ा सा अगर हो जाए तो ज्यादा, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वंडरफुल, लुक्स ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वंडरफुल, रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है।
अलावा साहब ऑल योर्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात यह कि आज जो मौजू है हाँ ये इतना कदीम है कि जब से हज़रत आदम व हव्वा है, और अगर अहले बशर के लिए पूछें तो खुदावंद आलम ने अगर कोई रिश्ता सबसे पहले बनाया है तो वही यही रिश्ता है जिसे मियाँ और बीवी कहते हैं। बेशक इससे पहले कोई रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते इन्हीं दोनों रिश्तों पे हैं, और जिस चीज़ पर सारे रिश्ते उस्तवार हों फिर उसकी अहमियत और अफादियत यानी रिश्तों की बुनियाद कहें तो वो मियाँ और बीवी से। यकीनी बात है कि अब पूरी नस्ल का एक सिलसिला है और उसमें अपनी जगह, और जैसे कि अभी जमील भाई कह रहे थे ना कि क्या है मन तज़व्वजा फ़क़त अहरज़ा निस्फ़ दीने वले निस्फ़ अल-आख़र इत्तक़ुल्लाह। तो जवान अक्सर पूछ भी लेते हैं कि इसका तर्जुमा पहले बता दूँ कि जिसने ज़ौजियत इख्तियार की, जिसने अज़वाज की, उसने अपने आधा दीन बचा लिया। 50% नंबर मार्क्स जो है कहाँ हैं, इस रिश्ते के ऊपर हैं। वाह क्या बात। आपके दीन का 50% बेस इस हदीस मुबारक की नस्बत इस रिश्ते पर है, और दूसरा आखर जो है वो क्या है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं जब इसकी गुफ्तगु होती है कि मौलाना अगर एक करें तो 50 बच गया। तो बात यह है कि वो 50 में ही हो गया, जितना भी अब वो जैसे जमील भाई कहते हैं चार तक, तो चार अपनी जगह, वो 50 तकसीम होगा, फिर वो उसी में तकसीम होता रहेगा, तो 20, और 25 में वो अच्छा। तकसीम हो या ना हो आप जरूर तकसीम होंगे, ये बात जरूर है। हमारे पास ऐसी कोई अभी सहूलत मैसर नहीं। अच्छा मना जो है ये स्टेटमेंट इनका ऑफिशियल है। अच्छा अब हम वहां आ जाते हैं कि ये रिश्ता जो है इसमें हुकूक की बात जब आती है तो देखिए इंसान माशरती, अच्छा हुकूक में सिर्फ इस रिश्ते से मुतालिक नहीं है, लेकिन चूंकि हम आज इस रिश्ते के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक जुमला और भी मैं यहाँ कहूँगा कि लोग कहते हैं कि ये गाड़ी के दो पहिए हैं। अच्छा कुरान मजीद ने और इस्लाम ने इसकी ताबीर दो पहियों से नहीं की, सुभान अल्लाह, हुन्ना लिबास, इसकी ताबीर की है लिबास से। तुम एक दूसरे का लिबास, हमारा लिबास है, बिल्कुल उनका लिबास, बिल्कुल सही। अब ये पहियों में और लिबास में क्या फ़र्क है, अगर इस पर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए तो समझ में आ जाती है कि अगर कहीं पे भी ज़रा सा नुक्स आ जाएगा पहिए में तो गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन अगर लिबास कहीं से थोड़ा, अब ये मैं पैगाम दे रहा हूँ जिसको कहना चाहिए ना कि कहीं थोड़ा फट गया लेकिन सितर आपका रहेगा, आपकी आप उसको रफू कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करना तो दोनों में है, लेकिन जब तक के रीजा रीजा ना हो जाए लिबास, हाय हाय उस वक्त तक सितर का काम करेगा। जो अच्छा सितर से क्या मुराद है, ये इतना मुश्किल लफ्ज आ गया, यानी एक दूसरे के अयूब को, नफ्स को, ढांपना, कमी को, इन सब को छुपाने वाला, यानी आपको इस्लाम ने जो पॉइंट दिया है वो ये दिया है कि आप एक दूसरे के अयूब को छुपाने वाले हों, आप अपने एक दूसरे के घर के, कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां ऐब ना हो, नक्स ना हो, कमी ना हो, सिवाय उन घरों के ऑब्वियसली जिन्होंने फिर ऐसे बच्चे दे दिए हमें, ऐसी नस्ल दे दी, क्योंकि ये हुकूक देने का फ़ायदा क्या है, अगर मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग सही हो तो फिर कहीं इमाम हसन आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं, हज़रत ज़ैनब आती है, हज़रत उम्मे कुलसुम। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। हसन के लिए ना दो चीजें कहनी चाहिए, देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ ना छोड़ा वैसे हम घबराए तो। अल्लाह जी, क्योंकि हसन हमेशा ना मतलब, या फिर मुनीर नियाज़ी साहब की, अच्छा वो नज़म जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा देर कर देता हूँ। हाँ हमेशा देर कर, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, बड़े देर ही ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना, हमेशा देर कर देता हूँ। अल्लाह
मदद करनी हो यार की ढारस बंधाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। तो सर बड़ा हबीब जाली है, जब लड़का है मुनी न्याजी, मुनी न्याजी, हाँ नहीं बड़ा टीवी पे तो सारे हो जाते हैं हद्यादा। अच्छा मैं कह रहा हूँ सान जो है ना टीवी से हट के अध्यादाप है, नहीं हमेशा है, हमेशा हाँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है, बड़े कमाल आप लोगों की दुआएं के बात करके बड़ा दिल खुश होता है। और सबसे बड़ी बात ये इन्हें देखने में भी ये खुर्शीद भाई लगते हैं और सुनने में भी, और सुनने में भी, और माशाल्लाह 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 आपने जिस तरह से उस नाम की लाज रखी है वो बड़ी कमाल है माशाल्लाह। क्योंकि देखें देखें उस प्रेशर में साफ सी बात तो ये है कि जाहिर है जो चंद नाम हैं पाकिस्तान के या इवन नाथ के उनमें से एक नाम अलहाज खुर्शीद साहब का, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वैसे लोग अब पैदा हों, तो उस नाम को कैरी करना, उस लेगेसी को कैरी करना और वो प्रेशर आपके साथ चलता है। जी बिल्कुल, जब मैं इस तरफ आया वाले साहब के इंतकाल के बाद तो जहाँ कुछ लोग समझते हैं कि बहुत आसानी हुई तो परेशानी इस लेवल से होती है कि लोगों का 100% खुशी है मैं साहब को सुना, अब मुझे जो एक्सपेक्ट करते थे वो 101% एक्सपेक्ट करते थे, तो जाहिर सी बात है मेरा वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज था, लेकिन ये सरकार का करम रहा, ये नात का सदका रहा और माँ बाप की दुआएँ रहीं और मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं नात पढ़ूँ तो उनकी दुआ कबूल हुई सरकार की बारगाह में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नात। लेकिन हसन एक बात बताऊँ, आप अगर इस जगह पर आज बैठे हो ना तो ये फैज़ आपके वालिद ही का है। जी बेशक है, कोई शक नहीं, इसलिए कि लोगों ने आपको स्पेस दी आपके वालिद की वजह से, कोई शक नहीं, कोई शक, और फिर आपने उसको निभाया अल्हम्दुलिल्लाह। और खुर्शीद भाई को तो मैंने सुना है अवाइल में, अभी हसन तो करीब करीब है लेकिन फिर भी मुझे लगता बहुत दूर है, वो तो वहाँ जाते थे जहाँ बोलते हैं ना हमारी जबान में चील अंडा दे देती है, ठीक है ना, वो उधर जाकर पढ़ते थे इतने हाई चील अंडा। अच्छा कभी कभी आप भी मुझे परेशान करते हैं जरा सा मतलब ये मैंने आज तक नहीं सुना, चील अंडा, चील कहाँ अंडा देती है बताइए तो सही। चील वो एक मुहावरा है जो अपना मुहावरे के तौर पे सुरगी से ताल्लुक रखते हैं ना, उनका एक मुहावरा है, ठीक है ना, तो मुहावरा तो ये जुमला बोलते हैं। हसन से पूछ लेते हैं ना, हसन आप भी शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा मियाँ बीवी के हुकूक के बारे में कुछ बताइए तो सही। अच्छा मैंने ये देखा है जो नॉर्मल मैंने फी ज़माना चीज़ें देखी कि जैसे आपके वालदैन आपस में जैसा उनका रिश्ता होता है वो आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर करता है। True. और क्योंकि मैंने वालिद साहब को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी उनकी और बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहते थे तो वालदा ने हमारी टेक केयर ज़्यादा की और जिस ऐसे तरीके से कि उसका अजर उनको अल्लाह ही अता कर सकता है, हम तो उनकी सिर्फ खिदमत कर सकते हैं। तो बड़ा एक मोहब्बत का रिश्ता रहा, बड़ा एक अदब का रिश्ता रहा, बड़ा एक मैं समझता हूँ कि उसको देखकर मुझे अपनी ज़िंदगी में बड़ी आसानी रही। ओके मैंने उसी को फॉलो किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अभी तक बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही। नहीं मैंने मियाँ बीवी के हुकूक की बात की है, उसके बारे में बात करो, तुम वालदा की तरफ ले गए वालिद की तरफ, वो तो जाहिर है बिल्कुल है। कोशिश कोशिश है, कितनी शादी है सबसे पहले आपको आज हुआ क्या है मुझे ये बता दीजिए। नहीं देखें एक बीवी का हक अदा करना मेरे ख्याल में कोई कमाल नहीं है। अच्छा हाँ मैं ये समझता हूँ। अच्छा कमाल तो मेरे नबी का है अल्लाह से, इतनी अजवाज के बाद भी आपने सबके हुकूक अदा किए। लेकिन देखिए वहां तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, देयर इज नो कंपैरिजन देयर, सुन्नत है ना। नहीं सर लेकिन वो देयर इज नो कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं लेकिन फॉलोइंग उन्हीं की, कोई कंपैरिजन नहीं वहां तो। देखिए कंपैरिजन सर कोई कर ही नहीं सकता, पूरी कायनात भी एक तरफ आ जाए ना तो रसूलुल्लाह के कंपेयर के सी को भी नहीं पाएगी। नहीं उसका उसका रीजन है, उसका उसका रीजन। अभी आप एक बात फरमा रहे थे बड़ी कमाल आपने बात की थी ये जो अब और उस नात में भी थी कशफा दुजा बेजमाली। जी जी ये जो कायनात बनी है ये क्रिएट किसके लिए हुई है? हुजूर के लिए क्रिएट हुई सल्लल्लाहु अलैहि। जब हम इस पे बिलीव करते हैं तो फिर कंपैरिजन आया कहाँ से है? कोई देर इज नो कंपैरिजन, देर इज नो सच थिंग इज कंपैरिजन, हो ही नहीं सकता। कायनात क्या है? कायनात में हम अभी उस जगह पहुंचे ही नहीं जहां हम कायनात को डिस्कवर कर लें। अभी हम किसी दुनिया के अंदर इस वक्त 11 हाइपोथेटिकल डिमेंशंस हैं, 11 हाइपोथेटिकल डिमेंशंस, हम 3 डिमेंशंस के खेल में हैं, चौथी डिस्कवर नहीं हुई है, चौथी के बारे में हाइपोथेटिकली हम सोचते हैं कि चौथी डिमेंशन होगी। तो कहने की बात यह है कि ये सारी जब उसने कुरान करीम में बार बार फरमा दिया कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, मैं आलमों का रब हूं, अल्लाह हू मैं आलमों का रब हूं, आलमों के रब का मतलब क्या है? रहमतन लिल आलमीन,
शेख साहिब तफसीर कबीर ने लिखा कि इस दुनिया में 18,000 आलम है, मतलब उन्होंने 18, लेकिन न जाने कितने ये। हाँ, यू नेवर नो भाई। सबसे अच्छा अगर हमें समझना है ना, लेकिन जो बहस अभी हो रही थी उसमें एक बात मैं कहूँ कि हज़रत अली का ही एक जुमला यहाँ पे है, क्या कि तुम लोग हम जैसे नहीं हो सकते, यानी लेकिन अच्छे काम करके अपने किरदार को बना के हमारे सीरत पे चल के हमारी मदद कर। लेकिन अच्छा कभी कभी आपको नहीं लगता कि हमने दीन को बड़ा सेलेक्टिव कर लिया? सर भाई जी, मियाँ बीवी की हम बात कर रहे हैं, रिश्तों की बात कर रहे हैं, एक चीज़ हम रोज़ाना ही मिस कर रहे हैं। okay. मुझे बड़ा वो खटकता है, क्योंकि लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं और मेरे पास जवाब नहीं होता। वो ये है कि वो ख्वातीन जो घरों में उम्र रसीदा हो गई हैं, फिर उनके माँ बाप मर चुके हैं, अब उनको संभालने वाला देखने वाला कोई नहीं है, या वो ख्वातीन जो डिवोर्स हो गई हैं, या वो ख्वातीन जो बेवा होकर घरों पर बैठी हैं, उनका भी तो कोई हल दीन ने दिया होगा ना? या बस उनके लिए कहा है कि बस एक साइड पे हो जाओ और कोई रखता है रखे, नहीं रखता तो घर से बाहर निकाल, हो तो यही रहा है ना जो हो रहा है। नहीं, लेकिन हमने वही तो अभी जो मैंने आपसे बात की ना, हमने दीन को अपनी कन्वीनियंस बना लिया। मैं जब हम देखें भाई, अब उसके बाद आप बात कीजिए, मैं दूसरी शादी की बात करता हूँ, तीसरी शादी, चौथी शादी की बात करता हूँ, जब हमें कन्विंस करना होता है ना, हम सारी मिसालें, सारी आयतें, सारी तफासीर निकाल के बेगम के सामने रख देते हैं कि ये है। अच्छा, उसके साथ चंद चीज़ें हज़फ़ भी कर जाते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हज़फ़ करते हैं वहाँ, क्योंकि हमें वहाँ जवाब देना है, जब हम जवाब देने के काबिल ही नहीं है। तो इसलिए आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आई थिंक इसका दीन से सरियन कोई ताल्लुक नहीं है, या फी ज़माना जो माशरा है। हर चीज़ का दीन में हल है, हर चीज़ का हल है, चले पूछते हैं, हर बीमारी का हल है, पूछते हैं, इसका भी हल होगा। जबरदस्त जुमला पहली मर्तबा आपने कहा जो मेरे दिल पे छू गया। नहीं सर, पहली मर्तबा सर मैं हूँ मुसलमान ही, कोई गुस्ताखी कर जाता हूँ पर हूँ मुसलमान में। ये नहीं था, लेकिन आपने इस्लाम की और दीन की बात की, इतनी अच्छी बात की, हर चीज का हल है। ये जुमला बड़ा अच्छा आपका, इसमें कोई शक, मैं खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि मैं आपके दीन और इस्लाम के ऊपर कोई शक भी करूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, आप बताइए ना, आप बताइए मुफ्ती साहब, क्या जो ये कह रहे हैं उसमें क्या हल क्या है? आप बड़ी देर से खामोश हैं, नहीं चाहता आप खामोश रहें, प्लीज बताइए। हल भी हमें नबी ने दिया है। अच्छा, इन्होंने बड़े आज आके जुमला कहा है, आज आपने मौजू ऐसा मैं एहतजाजन खामोश हूँ। अब ये पता नहीं क्यों एहतजाजन खामोश। साहिर भाई, मैं आपको एक वाकया वक्फे में सुनाऊंगा। अच्छा, वो ऐसा नहीं कि मैं ऑन स्क्रीन सुनाऊं, आप हैरान रह जाएंगे। और उस दिन मैं कांप गया था उस बच्ची से बातें सुन के, मैं यकीन जाने में अपने होश में नहीं था कि मैं इसको कौन सा रास्ता दिखाऊं जिंदगी का कि उसी तबाही पे जाओ। या बड़ा प्यारा जुमला कहा एक उन्होंने और एक आपने कि हमारा जो मुआशरा है ना, इस मुआशरे की वजह से खराबियां हैं। इस्लाम में, दीन में तमाम हल मौजूद हैं। हम जब सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुकद्दस मुतहर बबरकत ज़माने को देखते हैं, उस ज़माने पर नज़र डालते हैं, तो उस ज़माने में आप ये देखें, एक तो बहुत कम शख्सियात हैं जिनका एक निकाह है। अब हमारे यहाँ जिस तरह सारे भाई ने बहुत खूबसूरत इशारा दिया कि मुतलका औरत से निकाह करने को ऐब समझा जाता है। अच्छा, मैंने ये इशारा कि मेरे पीछे लगवाएंगे लोगों को, मेरा ये इशारा नहीं था। अच्छा सुने, मैंने तो हल पूछा। आप बात तो करने देना, हम अपनी तरफ ले लेते हैं, अपनी तरफ ले लेते हैं। बेवा औरत, ठीक है जी, उसे निकाह करने को ऐब समझा जाता है। ये वजह है जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे में बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं, दम घुट गया, सरों में सफ़ेदी आ गई, वो अपनी बात नहीं कर सकी। इनके हुकूक की बात बाकायदा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और इसका इस पर बाकायदा जो ना डिबेट होनी चाहिए। और ये जो आजकल ख़वातीन की बेख्वाहिश है ना, कि हमारा मियाँ, अभी यहाँ ब्रेक में हम गपशप कर रहे थे, हमारा मियाँ हराम में जिस तरफ मर्जी चला जाए, बस हलाल ना करे, निकाह ना करे, ये नहीं होना चाहिए। हम इस बात के कायल हैं कि देखें, अल्लाह जल्ला शानहु ने एक निज़ाम बनाया है नेचर और फितरत के मुताबिक है। दीन का कोई भी पहलू नेचर और फितरत के खिलाफ नहीं है। हजरात सहाबा इकराम के ज़माने में कोई भी औरत जब मुतलका होती, उसका शोहर शहीद हो जाता, फौत हो जाता, वो उसी वक़्त तक बेवा होती, उसी वक़्त तक इद्दत में होती, जितने उसने इद्दत गुजार दी है, उसकी इद्दत ख़त्म हुई, फ़ौरन उसका निकाह हो जाता था। आज हमारे मुआशरे में बुराइयों ने जन्म क्यों लिया? जना सस्ता क्यों हुआ? बुराई सस्ती क्यों हुई? उसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह भी है।
बिल्कुल। देखिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिर भाई जो पहली अपनी जोजा खदील कुबरा मलिकतुल अरब शादी की, आपके दो निकाह पहले थे, बिल्कुल बिल्कुल सही, रसूल खुदा ने की, और एक आपकी जोजा मोहतरमा जो कि आनिसा और बाकिरा थी और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, इसके अलावा तो सारी की सारी पहले शादी कर चुकी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुन्नत बना दी, लेकिन बात मुआशरे की है और बात अकदार की है, तो सारिम भाई मैं आपको बिल्कुल सेकंड करूंगा, कोई ना कोई हल ज़रूर होना। इस्लाम बना, पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि इस्लाम को प्रैक्टिस किया जाए। मैं मर्द की जिबिल्लत, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि मर्द की जिबिल्लत जो है अल्लाह ने ऐसी बनाई कि वो एक से ज़ायद करना चाहता है, ठीक है ना, वो अल्लाह ने बनाया उसको, ठीक है, लेकिन हमारा मुआशरा इतना उसे जकड़ दिया है कि वो जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि हराम की तरफ चले जाओ, हलाल की तरफ ना जाओ। और यकीनी तौर पर डॉक्टर साहब इसमें देखें, हम फिर हिम्मत पैदा करें ना, नहीं जाओ दूसरी की तरफ तीसरी की तरफ, हम अपने बच्चों की शादियां करें ना ज़रा बेवा से, डिवोर्सी से, उम्र रसीदा से, हिम्मत पैदा करें ना अपने अंदर, ना करें दूसरी तीसरी आप फिर जा करके। मुझे 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 एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आप कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और बहस जो है वो बड़ी गर्मा गर्म जा रही है, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है कि आज हम वाकई डिस्कशन कर रहे हैं, तो दैट्स रियली वंडरफुल जी। अलामा साहब क्या क्या फरमाएंगे आप? देखिए बात ये है कि खुदा बंदे आलम को इस ज़मीन पर एक माशरा क्रिएट करवाना था। खुदा बहुत सारे तरीके बना सकता था, लेकिन उसको जो सबसे पसंदीदा इस माशरे को डेवलप करने के लिए मैं अभी भी जो तरीका नजर आया वो यही था कि एक मर्द और खातून। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, आप में से कोई भी जवाब दे दे, मेहर के बारे में क्या कहा जाता है, मेहर किस तरह से अदा किया जाना चाहिए, हक मेहर? देखिए मेहर सर, आप ये देखिए, मेहर शरीयत ने जो कंसेप्ट दिया है वो ऐसा है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का शौहर इंतकाल कर जाए या किसी खातून को डिवोर्स हो जाए, तो कम अज़ कम अय्याम इद्दत तक उसकी किफालत का एहतिमाम हो सके, कम अज़ कम इतना देना चाहिए। ओके ठीक है ना, ये शरीयत का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कि औरत का नान नफ़के का इंतज़ाम हो सके किसी भी हादसे की वजह से। और देखिए औरत के पांच हुकूक शरीयत ने बताए, पहला ये कि उससे ज़बरदस्ती निकाह ना किया जाए, सबसे पहला। दूसरा ये कि यहाँ एक मिनट रुक जाइए, तो ये जो होता है हमारे माशरे में कि जी बगैर पूछे शादियां कर दी जाती हैं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। ओके अब आगे चलें। एक खातून हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि मेरा वालिद जो है ना मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है और मैं नहीं चाहती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि तुम नहीं कर सकती, ये इसका हक है कि यहाँ कहे या ना कहे। जो ब्लैकमेल किया जाता है, ये जो बोला जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि हमने तुम्हें पाला है, हम तुम्हारे बारे में बेहतर जानते हैं, तो वो तो सही है, पाला जरूर है। मैं ये हदीस पूरी बता दूं। जी जी, कि जब उन्होंने कहा ना कि मैं या रसूलल्लाह मैं नहीं चाहती इसको शादी करना, मेरे वाली कराना चाहते हैं, हुजूर ने फरमाया नहीं, तेरा इरादा चलेगा, उससे पूछे बगैर ये शादी नहीं कर सकते, तेरी मर्जी होगी तो करेगा। तो उस खातून ने कहा या रसूलल्लाह मैं यही जानना चाहती थी कि किसी औरत का हक क्या है। अब मैं राजी हूँ कि जब मेरी रजामंदी पर इस्लाम ने छोड़ दिया तो अब मैं राजी हूँ। ठीक है, ठीक है ना, तो सबसे पहला हक यही है औरत से उसकी रजा पूछी जाए और फिर उसका हक में। अच्छा मुझे इस्लाम लाया कौन, मुझे ये बताइए हमारे यहाँ जो इस्लाम राइज है वो कौन लेके आया? आप शहरयार भाई इधर आ जाइएगा, इंतजार मत कीजिएगा, मुझे ये बताएं, बिकॉज मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ कारो कारी पे कत्ल हो जाते हैं, बहुत जबरदस्त सवाल है आपका सर। मैं ये इस्लाम लाया, ये कौन, किसने ईजाद किया है ये वाला रिलीजन जिसे हम देखते हैं, इज्जतों के नाम पे औरतों का कत्ल कर दो, अपनी मर्जी से शादियां कर दो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे मुमकिन है। और फिर उसको ब्लैकमेल भी किया जाता है, उसको वास्ते दिए जाते हैं, माँ ये बताती है कि मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, बाप ये बताता है मैंने तुम्हारे, लेकिन अगर वो लड़की वहाँ शादी ही नहीं करना चाहती तो वो कैसे खुश रह सकती है? देखिए कबाइलियत और इस्लामियत इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। बदकिस्मती से हम शरीयत नहीं ला सके, कबाइलियत डोमिनेट कर गई। ठीक है, यहाँ पर तो अगर इंटीरियर सिंध में जाएँ तो वहाँ बड़े बड़े वडेरे जो कुरान से निकाह कर देते हैं, शरीयत में ऐसा कौन सा कंसेप्ट है?
ठीक है, एक सहाबी का मिलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक महर के लिए इतनी आयतें याद कर लो, ये सब कुछ, लेकिन इससे कुरान से निकाह, ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ वर्जी और कारोकारी, तो इससे भी बड़ा जुल्म है। और ये होता विरासत की वजह से, ठीक है ना, तो ये इस्लामियत और शरीयत नहीं है सर। हमने शरीयत के नाम पर न जाने कौन कौन सी चीजें इस मुल्क में थोप दी हैं और ठोंस दी हैं जिससे आज तक हम निकल नहीं पाए। इस्लाम बड़ा आसान मजहब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यस्सिरु वला तुअस्सिरु वबशिरु वला तुनफ़िरु, आसान करो आसान करो, मुश्किल मत बनाओ, लोगों को खुशखबरियाँ दो, बशारतें दो, उनको नफ़रत मत दिलाओ। तो हमने तो दीन इस्लाम को नफ़रत का सबब बना दिया है। इस्लाम ने तो हमें बड़ा आसान मज़हब दिया था और प्रैक्टिकल रिलीजन है, और हुजूर ने फ़कत लिखा लिखाया इस्लाम नहीं दिया, करके दिखाया, और जितना आपने दूसरों को कहा खुद उससे ज़्यादा करके दिखाया है, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आपकी जो बात है वो बिल्कुल बजा है। जी मुफ्ती साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बड़ा खूबसूरत इशारा आपने किया हक महर के लिए। मैं काफ़ी देर से ये चाह रहा था कि दरमियान में ये बात आनी चाहिए कि औरत के हकूक में ये है कि सबसे पहले उसका हक महर उसे दिया जाए। अब सदियों गुजर जाती हैं, सालों गुजर जाते हैं, बरसों गुजर जाते हैं, बच्चे पाँच पाँच छः छः हो जाते हैं, हक महर नहीं दिया जाता। और ये जो अब तो तलाक की रेशो बढ़ गई है, खुला की रेशो बढ़ गई ना जी। मुझे वो एक शेर याद आ रहा है, एक बच्ची ने ख़त लिखा किसी ज़माने में, मुझे आपस में इख्तलाफ का मसला चल रहा था, उसने आखिर में जब उसको फैसला हो गया ना दोनों तरफ से कि उस बच्ची को तलाक ही होनी है, तो उस बच्ची ने जो शेर लिखा वो अजीब था। उसने कहा, तलाक तो दे रहे हो मुझे बड़े कहर व गुरूर के साथ, मेरी जवानी भी लुटा दो मेरे महर के साथ। मेरी जवानी भी लुटा दो मेरे महर के साथ। तो ये जो किसी की बेटी आती है ना अपने घर में, तो थोड़ा सा तसव्वुर ये करना चाहिए कि मेरी भी बेटी है। अभी आप अपनी बेटी की बात कर रहे थे, आप यकीन कीजिए मेरे तीन बेटे फोत हुए, एक बेटी और मामा फोत हुई। मैं अपने बेटों को भूल गया, उनके चेहरे कैसे थे, उनकी शक्लें कैसी थीं, मगर मैं आज तक अपनी बेटी नहीं भूल पाया। अल्लाह अल्लाह, बेटी नहीं भूल पाया। तो सबसे पहला हक औरत का ये है कि आप उसे उसका हक महर दें, वो जितना भी मुकर्रर हुआ शादी के मौके पर आप उसे अदा करें। मेरे ख्याल में ये मर्द की गैरत के भी खिलाफ है कि वो हक महर के बगैर औरत के पास जाए। बिल्कुल। नंबर दो, सबसे ज्यादा हुकूक की बात हो रही है, सबसे बड़ा हक औरत का ये है कि आप उसे इंसान समझें, उसके साथ मीठी जुबान का इस्तेमाल करें। दुरुस्त। आप उसे बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी गाड़ी दी हुई है, अच्छा बंगला है, अच्छी रिहाइश है, सब कुछ अच्छा दिया हुआ है, मगर अगर आपकी जुबान कड़वी है ना जी, तो आपने उस घर को सारी आसाइशें होने के बावजूद आपने जहन्नम बना दिया है। आप सबसे ज्यादा मीठी जुबान का इस्तेमाल करें, वो झोंपड़ी में भी आपके साथ गुजारा करेगी। शेरा भाई जी, सर जी, सर आप कहाँ गायब हो जाते हैं? जबरदस्त कलाम करेंगे इस पर। हाँ नहीं, कलाम तो करेंगे लेकिन चले जाते हैं, पता नहीं। मैं अल्लाह के अंदर ना थोड़ा बैठ जाता हूँ, सोचता हूँ। अच्छा, ये मेरी तबीयत के अंदर मैंने नोट किया, जूं जूं बुढ़ापा शदीद होता जा रहा है ना, मेरे अंदर ना शिद्दत आती जा रही है, मेरे मिजाज में, मेरे अल्फाज में बर्दाश्त कम होती जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं बात कम ही किया करूँ तो अच्छा है। अब जैसे बच्चियों की आपने बात की, मेरे भी चार बच्चों का मतलब के वफात पा गए हैं, तो उनमें बहरहाल बेटियां जो होती हैं ना आंखों का तारा होती हैं, बेशक, और हम बेटियां इसलिए नहीं पैदा करते कि वो जा करके दूसरे घरों में जो है ना मारें खाएं। पहले तो हमारे यहाँ ये तसव्वुर ख़त्म होना चाहिए। और मर्द ने जो अपनी डोमिनेंसी, सो कॉल्ड डोमिनेंसी बनाई हुई है कि जी मैं तुझे तीन जुमले बोल के फारिग कर दूंगा, ये अपना ज़ोम फासिद तो तमाम मर्द हजरात तो पहले निकाल दें। आपका कोई हक नहीं है, इससे ज़्यादा हक औरत का है। अगर आप इंसान के बच्चे नहीं हैं, वो खुला लेके आपसे अलहदा होने का हक महफूज रखती है। तलाक तलाक तलाक, क्या तमाशा बनाया हुआ भाई। उससे पहले उसके पास तहफ़ है, वो आप गुटके खा के पसीनों के साथ गंदे मंदे संदे जाके आप अपनी बीवियों से कहते हैं, जी साढ़े नाल बिल्कुल खूबसूरत बेहतरीन हीरोइन बन के बात कर। क्या बात कर रहे हैं आप लोग यार, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये सिखाया, फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन मैं हूँ जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करता हूँ। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जी हमारी जो है ना अथॉरिटी है, हम डोमिनेंट हैं, हमारी ही चलेगी। नेवर एवर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेल एंड फीमेल आर इक्वल। हाँ वो कमज़ोर है, फिजिकली कमज़ोर है,
देन यू हैव, तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है तो तुम्हें उसका मुहाफिज बनाया गया, तुम्हें उसका ऑर्गेनाइजर बनाया गया, तुम्हें उसका रखवाला बनाया गया, ना कि तुम एकदम ब्रूटल बन करके उसके ऊपर जुल्म सितम कायम करो। सेकेंडली, ख़वातीन की भी खामियाँ होती हैं, वो भी ज़बान की तल्ख तुंद तेज़ होती हैं, और अपनी ज़बान से जो कहते हैं ना कि तलवार का घाव भर जाता है, ज़बान का घाव नहीं भरता। हमारे ख़वातीन में ये मुसीबत है, नो डाउट, बट दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड मदर कि वो अपनी बेटी को सिखाए समझाए कि बेटा अपने घर, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी में मैंने अपनी बच्ची की शादी की है। कैन यू बिलीव, जब मेरी बेटी आती है, हम लोग बैठते हैं, मेरे दामाद भी आगे बैठते हैं, हम लोग बात करते हैं, तो मैं अपने दामाद को ओपनली कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, भाई ये बेटी है मेरी, दोनों माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एक दूसरे का ख्याल करते हैं, बट नेवर एवर थिंक ऑफ दैट कि ये अकेली है या इसके पीछे, अब हमने ब्याह दिया तो डोली गई है तब डोला उठेगा, नेवर एवर ऐसा मत सोचना। कहता है नो अंकल, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह कभी भी, वी डू केयर अब फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं। और मैंने कहा वेन एवर यू फाइट, कोई क्वारलिंग हो, कम ऑन, सिट ऑन द टेबल, अपने डूज एंड डोंट्स लिख लो, अपने डूज एंड डोंट्स लिख लो, शेयर कर लो, हमेशा प्यार से मोहब्बत से, किसी की बात नहीं सुनना, ना हमारे पास आना। अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया है, खुदा के लिए बच्चियों बच्चियों को इल्म ज़रूर दो, तालीम भी दो साथ में उन बच्चियों को, और बच्चों को चाहिए कि वो एक दूसरे का ख्याल करें, बैठें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ऑलवेज डू डायलॉग, इंशाल्लाह इट विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। जी सारिम भाई, सर अल्लामा सारिम को भी मौका दें थोड़ा सा। अल्लामा सारिम प्लीज। जी अल्लामा सारिम साहब, सर मेहर की बात हो रही थी, माशाल्लाह पहले इस्लाम की बात की है, सर एक और इस्लाम की बात सुने, आप दो दिन ठहर जाए, आप फिर बताऊंगा। जी जी सर, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, या अमूमन लोगों को शायद नहीं पता, असर हुआ, आपको पता है मेहर क्या है? आपने तो बता दिया पहले देना चाहिए बाद में देना चाहिए, अगर नहीं दिया और वो शख्स की डेथ हो जाती है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से हिस्से से पहले सबसे पहले मेहर की रकम निकाली जाएगी, उसके बाद उसका बंटवारा होगा। अच्छा, ये जो मेहर, इतनी अहम चीज़ है ये मेहर, एक सवाल है मेरा, ये जो मेहर माफ़ करवा दिया जाता है, इसकी क्या हैसियत है? नहीं नहीं, ऐसा इस्लाम में कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, बल्कि औरत का हक एक ये भी है कि कहा गया कि जनाब अगर पहाड़ जितना सोना या चांदी उसे तोहफा दे दिया जाए और हक महर इतना अगर उसका मुकर्रर कर दिया जाए तो मर्द को कोई हक नहीं है कि बीवी से वापस तलब करे, इसलिए कि उसने अपना जिस्मो जान सब कुछ तो मेरा हवाला कर दिया, दौलत की क्या चीज़ है, दौलत की क्या हकीकत है, तो हक महर वापस नहीं हो सकता, ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन कर दिया, और इसके बगैर निकाह भी नहीं हो सकता। ये जो कहा जाता है, ये जो कहा जाता है अक्सर लोगों से मैंने कहते हुए सुना है, वो ये कहते हैं कि जी हक महर माफ कर दें, तो वो नहीं है। नहीं 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 सर, कोई ऐसा तसव्वुर नहीं। एक जुमला यहाँ अर्ज करना चाहूंगा, बात चीजें हक के शरा होती हैं जी, जो किसी के माफ करने से माफ नहीं होती। जिस तरह विरासत है ना, तो वालिद अगर किसी अपनी सारी प्रॉपर्टी को हदिया हबा करना चाहे, किसी ट्रस्ट को देना चाहे, अगर उसकी औलाद मौजूद है तो वो नहीं कर सकता, ये हक शरा है, वो चौथाई ऐसा कर सकता है। इसी तरह अगर औरत माफ करना चाहे भी तो ये उसका हक के शरा है, वो माफ नहीं होता। ऑलराइट जी, एक एक ब्रेक ब्रेक आ गई, मुझे कंटिन्यूअसली ब्रेक पे जाना है, थोड़ा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक, और अब हमारा जो नातिया मुकाबला है, बोल नातिया मुकाबला, दैट्स अंडर वे, लेट्स हेलो टू आवर जजेस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, ठीक है सब? अल्लाह, आप भी ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी है? बिल्कुल तैयार, शुरू कर सकते हैं? ऑलराइट, आज चार लोग जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं हमारे इस मुकाबले में, दो का ताल्लुक जो है वो कराची से बाहर से है, अली रजा साहब झंग से, और तहा कादरी जो है वो रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। सबसे पहले आइए देखते हैं ये पैकेज। टेलीविजन में होने वाले आज की आठवीं शहरी के नातिया मुकाबले में हमारे साथ शामिल हैं तहा कादरी रावलपिंडी से, हाफिज अली रजा झंग से, मोहम्मद हुनैन कराची से, और इख्तियार अली कराची से। आइए देखते हैं इनकी आज की परफॉर्मेंस। थैंक यू कोलगेट, बहुत बहुत शुक्रिया।
कोलगेट का एक मैसेज है जो बहुत बड़ा मैसेज है और मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर मैसेज हो नहीं सकता। अगर आप जाहिर है पाकिस्तान इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद रही हैं जहां लोग उन्होंने अपनी बहादुरी और शुजात से मिसालें कायम की हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग स्ट्रॉन्ग थे। हमारा उनसे कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ में उनको फॉलो कर सकते हैं कि हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। कोलगेट ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप दिन में दो मरतबा ब्रश करें। जब आप दिन में दो मरतबा ब्रश करते हैं तो ये हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के अन मुताबिक होता है, एंड ऑफ कोर्स आपके दांत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको कोलगेट से मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन मिलती है। दैट मींस आपके दांत स्ट्रॉन्ग तो आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग, सो प्लीज़ फॉलो दैट। अब आइए चलते हैं, मैं ताहा कादरी साहब सबसे पहले मैं आपको वो सुनवा रहा हूँ, वो आपकी मौजूदगी में उन्होंने रिकॉर्ड किया, तो सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ फिर। अच्छा, ताहा रावलपिंडी से नहीं है? माइक हाँ, ये बिलोंग करते हैं रावलपिंडी से, लेकिन स्पेशली कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए कराची आए हैं। आप जरा नबील को जानते हैं ना? बिल्कुल, नबील को जानते हैं जी। अली जंग भी, अली रजा भी यहीं से हैं या? अली रजा भी सर हमारे साथ यहीं मौजूद हैं। अच्छा, चारों कंटेस्टेंट यहीं जी 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 जी। मैं मतलब मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे दोस्त का, नबील का। नबील, ये मुकाबला कभी तो ख़त्म होगा और मैं और तुम इसी रोज़े में अभी मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। समझ तो गए होगे, वो तोते वाला आपको वाकई पता ना। खैर एनीवे, तो आप इत्मीनान से सहरी करें, अभी मुलाकात होगी। ताहा कादरी साहब रावलपिंडी से आप हैं, आइए तशरीफ ले आइए जी। ताहा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। थोड़ा सा ऐसे हो जाए बेटा, इधर आ जाइए, और इधर आए, और इधर आए, इधर होते रहे जहाँ जहाँ मेरा हाथ जाता रहे। जी बताइए, और बस थैंक यू सो मच जी। ताहा क्या करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ अभी। कौन सी क्लास में, कौन सी ईयर में? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, और आगे प्लान क्या है आपके? बिजनेस करूँगा अपना। बिजनेस करेंगे? क्या बिजनेस करेंगे बता दें? प्रिंटिंग प्रेस का अपना। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार का कारोबार। अच्छा, तैयार हैं आज? जी। दो मिनट आपके पास होंगे जी, शुरू कीजिए। क्या बात है, क्या बात है।
दिल वहीं पे हार आया, वाह वाह, वहीं पे हार आया, खिदा नसीब दरख्तों पे यूं निखार, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बताइए भाई, इस बच्चे के पास इतने ग्राउंड्स हैं, हाँ, वो खेलने का, यहाँ आ जाइए आप, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, मवाद है माशाल्लाह, हाँ। मुझे इसकी नात में कोई एरर नजर नहीं आया, कोशिश की ढूंढने से, लेकिन ढूंढने से भी कोई गलती नहीं निकली। अभी आप देखिएगा मिलेगा जी, आप थोड़ी देर सब्र कर जाइए, जैसे हम सलमान के पास जाएंगे बहुत सारी चीजें होंगी जी। और कोई माशाल्लाह जी, बच्चे कि बस बिस्मिल्लाह भी ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, क्या बात है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये बताइए ना, आप डॉक्टर साहब के साथ हैं, माशाल्लाह। नहीं, इन्होंने कह दिया इसमें कुछ भी नहीं, अच्छा, तो मैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह तो कह दूं ना, कहीं पर ये एहसास हो ना कि इन्होंने मुर्गी ज्यादा लगा दी, तो अगली जाकर उसको उन्होंने चेंज कर दिया, कंपनसेट कर दिया, क्या बात है। मैं तो ये हैरान हो रही हूँ कि उवैस और सलमान का ऐसा इंतखाब है माशाल्लाह से कि हर रोज अच्छे से अच्छे बच्चे आते हैं, जैसा लगता है कि अब ये खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद अगले दिन उससे ज्यादा अच्छे बच्चे, क्या बात है, क्या बात है, जीरो बाप, अच्छा माइक, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब देखिएगा, हाँ जी सलमान साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अब शुरू करें हम, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने आज बहुत अच्छा पढ़ा, अरे वाह, अच्छा देखें लगा दिया ना, आज बहुत अच्छा पढ़ा, आज बहुत अच्छा पढ़ा, हाँ रूबरू मेरे सामने आज आपने पढ़ा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, कहीं कोई खामी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा निकालने की मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन निकली नहीं, और सारे अल्फाज जो अदायगी थी हर तरह से आपने बहुत भरपूर पढ़ा, ये हमारे लिए फख्र है कि आप जैसे लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, क्या बात, इतना पॉजिटिव माशाल्लाह सलमान, हां वेरी नाइस, पॉजिटिवनेस पे माशाल्लाह मुबारक हो, हां जी नस्बत पे, जज़ाकअल्लाह। ये किस दिल से कहा गया ये नहीं पता आपको, हां जी बताइए, कॉन्फिडेंस बता रहा है साहिर भाई की कैसी तैयारी, बहुत अच्छा, क्या बात है माशाल्लाह। इस बच्चे से हमारे बाकी आने वाले बच्चों को सीखना चाहिए कि किस तरह का कलाम चूज करना है, किस सुकून के साथ उन्होंने बेहतरीन टाइम अंदाज में अपना वक्त लेते हुए माइक को करीब किया, फिर माइक का इस्तेमाल भी किया, गले की रेंज को बिल्कुल मुनासिब रखते हुए पहले उस राग का रचाव किया अलाप की सूरत में, अपनी रेंज को देखा, उसके बाद कलाम शुरू किया माशाल्लाह, क्या बात है बेटा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इख्तियार अली साहब आपका कराची से ताल्लुक है, तशरीफ ले आइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम, ऐसे हो जाइए बेटा थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, ऑलराइट थैंक यू। क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। ओके, क्या स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं, मतलब तालीम हासिल करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। ओके, मतलब कौन सी क्लास में हैं? फाइव, क्लास फाइव में। और बड़े होके सोचा है अभी कुछ कि क्या बनोगे? डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनेंगे, चलिए वंडरफुल। और कब से पढ़ रहे हैं नात? 5 years ago मैं पहले से नात पढ़ रहा हूँ। चलिए आज तैयार हैं आप, शुरू कीजिए। वाह क्या जूदो करम, वाह क्या जू वाला
मुबारक हो। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह इन्होंने, कहीं कहीं पर ये ड्रैग हुए और ये ऊपर जब गए तो वापस आते हुए जरा थोड़ी सी इनको तकलीफ रही है, पुख्तगी की ज़रूरत है। और इन्होंने अपने सीने और गले का पूरा इस्तेमाल किया, ये खुशाइंदा बात है। और बिल्कुल गला भी निकाला, सीने की ताकत भी लगाई, लेकिन कुछ ज़्यादा कहीं कहीं लगी तो बस थोड़े से एरर से, लेकिन बच्चा कमाल का माशाल्लाह। जी बहुत प्यारा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा है, मज़ीद रिहर्सल की ज़रूरत है। माशाल्लाह इंसान का बच्चा बेहतरीन पढ़ा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं एक बात उवैस और सलमान से कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बच्चों को मुंतखब किया है, ज़रूर कुछ ना कुछ देखकर ही मुंतखब किया होगा, लेकिन कोशिश ये करें कि एक एज ग्रुप के बच्चे हों, इसलिए कि हार्मोनल चेंजिंग्स आते हैं, 10 साल के बच्चे का एक अलग लेवल होता है, 20 साल के बच्चे का एक अलग लेवल होता है, तो अगर ये हम उम्र बच्चे होंगे तो इनका बेहतरीन होगा। अच्छा आप यूजुअली जब मुकाबले होते हैं तो उसमें इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता बल्कि मौका दिया जाता है, जैसे आप किसी आइडल कोई और भी मुकाबले देखें तो वहाँ हर उम्र हर एज के बच्चे कम्पीट करते हैं एक साथ, क्योंकि मुकाबला है फ़न का। सही, ये किस तरह से आप नात गोई करते हैं उसका मुकाबला है, ये एक एज सेंट्रिक नहीं हो सकता। सही। जी बहुत खूबसूरत आवाज है, लेकिन सुरों की पकड़ थोड़ी सी कमजोर है, अगर उस पे इसको महारत हो गई ना तो ये बेहतरीन नात खानों में से। जी बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आइए जी सलमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा नातखवां ही है और प्रॉपर नातखवां है माशाल्लाह, गलती हो जाती है जी जी, और मल्टीपल्स गलतियां हुई हैं इनसे यार। आप नहीं, मैं तो बस मैं तो पूछ रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा बेटा, इनकी आदत है, फिक्र मत करना। मैं ये चाहता हूँ कि इनका है छोटा गला, अगर ये छोटे बहर की नात लेते वो ज़्यादा अच्छी पढ़ सकते थे, बनिस्बत इसके कि ये इतनी बड़ी लंबी सांस वाली नात लें और उसको इस तरह से ऊपर लेके जाएं फिर नीचे आएँ, मुश्किल नात है, इनके गले में मुरखी कम है, अगर ये कलाम अपने गले के हिसाब से चूज़ करते तो ये ज़्यादा बेटर पढ़ सकते थे, ये मेरी राय है इनके लिए। साहब भाई, जब भी कोई इमारत खड़ी की जाती है तो उसकी बुनियाद अगर मजबूत है तो इमारत अच्छी हुई। आज इन्होंने गलती की कि जब अस्थाई बोल रहे थे तो उसी वक्त वीक थे, बस जो स्टार्टिंग था ना वही वीक हो गया तो सब ड्रैग हो गया, इस वजह से बस, वरना बहुत अच्छा पढ़ती। मुझे ऐसा लगा कि कलाम की तैयारी जो है वो कम थी, और बेटा कभी भी आप स्ट्रेट पढ़ने की कोशिश जब आप करेंगे तो खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। आप जब वाह क्या जो दो करम सीधा बोलेंगे ना तो ज़्यादा खूबसूरत आएगा, वाह क्या जो दो करम तो गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो वहाँ ऐसा लगा कि आप जो बात बार बार कहना चाह रहे थे उसमें कहीं वो ड्रैग होता गया और
गले ने उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए था। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेल डन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अली रजा साहब का ताल्लुक झंग से है, तशरीफ ले आइए। अली रजा साहब कैसे हैं आप? करम आप सुनाए से। अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप पढ़ते हैं? जी मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूं। सेकंड ईयर में, और क्या पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर में? मैं ICS। ICS, और उसके बाद क्या करने का इरादा है? उसके बाद मेरा इरादा है CMA करने का। ओके, और फिर उसके बाद व्हाट आर यू गोइंग टू डू? साद नाथ खानी को कंटिन्यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह कीजिए। हश्र में जब उनको सजदे से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा पढ़ा, बेहतर पढ़ा, बड़ी मेहनत की ज़रूरत है माशाल्लाह इनको, और इस्ताई से ही थोड़ा सा ये ड्रैग हो गए थे, बाद में आखिर में इन्होंने संभाला है, लेकिन शुरू में जब लड़खड़ा जाए तो फिर संभलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल ज़रूरत बहुत है मेहनत की। बेटा मेहनत कीजिए इंशाल्लाह, गला आपको है, अल्लाह ने दिया है, आवाज़ भी दी है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत आगे जाएंगे जी। बिल्कुल, रियाजत की ज़रूरत है। बहुत अच्छा अंदाज, बेहतरीन आवाज, बेहतरीन आवाज, बेहतरीन अंदाज, ऑल द बेस्ट। फनी महासिन पे तो इनके जजेस हजरात बात करेंगे, लेकिन इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी इसलिए कि पूरी स्टूडियो पे छा गई थी, तो बहुत खूबसूरत पढ़ा जी। आगाज इन्होंने अलाप से किया था ना, तो अलाप में इतनी पुख्तगी थी कि लगता था कि जैसे रिजल्ट जो है वो 100% आएगा, लेकिन वही डॉक्टर साहब वाली बात कि जब अलाप के बाद उसने अस्थाई उठाई है तो वो काफ़ी उसमें ड्रैग किया है कई जगह सुरों ने जी। आवाज़ अच्छी थी लेकिन अदायगी सही नहीं थी मेरा ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान का ग्राउंड जी जी। तो
साहिर भाई क्या बोल रहे थे, अच्छा इनके इन्होंने देखें, एक तो जब इन्होंने अलाप लिया ना तो वो अलाप इनसे सही नहीं लगा, शायद घबराहट थी क्या था, मुझे जहाँ तक मैंने जहाँ तक सुना है और मैं पढ़ता भी हूँ उस कलाम को अल्हम्दुलिल्लाह, तो अलाप में ही ये थोड़ा ड्रैग हो गए थे, उसके बाद फिर इन्होंने उठाया पे ये बिल्कुल बेसुरा हो गए थे, फिर जिस तरह इसका रचाव है बिल्कुल बेसुरा नहीं था सलमान, वो अपने ये इतना में बहुत थे। अच्छा बेसुरा नहीं पड़ा। इस कलाम की बेसुरा नहीं, बिल्कुल बेसुरा, इस कलाम बेसुरा नहीं पड़ा। इस कलाम का इस कलाम की खसूसियत ये है कि इसमें आप जगह ज़्यादा ना भी लगाएं तब भी ये बहुत मीठा कलाम है, तो इन्होंने इतनी जगहें लगाई जो बेमायने थी, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल भी एक रचाव और एक फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी इनके पढ़ने में। क्या कहते हैं सलमान, तो ऐसा करता है कि बस अगले को बिल्कुल काट दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, नहीं पढ़ने ये हमसे ज्यादा समझदार है, हर एक का अपना अंदाज है। आपने इससे पहले अली को सुना उसका एक अलग अंदाज था, उससे पहले वाले बच्चे को सुना उसका अलग अंदाज था। अच्छा तीनों की पढ़त में आप बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल 90 डिग्रीज का चेंज है ना। अब इसने जिस तरह अपने गले को पेश किया है वो अलग अंदाज था, मुझे ऐसा लगा शायद साहिर भाई ये शायद बहुत उजलत में थे, बहुत उजलत दिखाई इन्होंने, जल्दी जल्दी जगाए, घरारियां लगाई और आगे निकल गए। वीकनेस ऐसे है कि गिरफ्त अच्छी नहीं थी लेकिन बेसुरे ही नहीं थे, नहीं एक जगह पे वो ना उठाने उठाए पे वो उसके बाद थोड़ा देखो वीकनेस थी वो, लेकिन बेसुरा नहीं कहेंगे आप। सर मैंने गलती बताई ना, आप बोलते हैं उसको आप कह रहे हो बेसुरा हो जाता है वो। नहीं नहीं वो हुए ना हल्का सा, जब एक चीज आपको लग रहा है कानों को नहीं, मुझे नहीं लगा कि वो बेसुरा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन शुरू में अस्थाई में जिस तरह कमज़ोर अस्थाई होने की वजह से फील उस तरीके से, जब बिस्मिल्लाह में ही माहौल अच्छा बन जाता है तो पूरे कलाम का माहौल अच्छा रहता है। आपका मुझे लगता है कि आपके गले के एतबार से आपने कलाम का इंतखाब गलत किया, मैं मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि आपके गले के अंदर जो तेज़ी है, जब आपने अंतरे के अंदर जो तेज़ी से जगहें कही हैं वो बड़ी रवानी के साथ कही माशाल्लाह, तो अगर कोई और कलाम होता तो शायद इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश कर सकते। अच्छा एक और चीज़, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि इन दिनों ना जो मैं सुन रहा हूँ इन दिनों, मैंने बड़े बड़े असातिज़ा को सुना है, यू नो मंजूर कौनैन से लेकर आपके फादर से लेकर, यू नो सिद्दीक इस्माइल से लेकर, कारी भाई जफर कासमी साहब से लेकर, और उम हबीबा साहिबा से लेकर, यू नेम इट, और ये सारे के सारे लोग नासिर जहां, तो लेकिन वो ना जगह कम लगाया करते थे। कलाम की खूबसूरती जो है वो जगह लगाने से नहीं आएगी, यहाँ पर इतनी एफर्ट हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि खाम और एक सर्टन अंदाज में पढ़ा जा रहा है, एक अपनी आवाज़ को एक सर्टन रंग दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं वो जो है ना बच्चों के ऊपर एक प्रेशर, हाँ एक प्रेशर बिल्ड हुआ है। और दूसरी बात ये जो जो हुस्न है वो खूबसूरत सादगी में बड़ा हुस्न नात का, देखें एक हम जब यहाँ सब लोग बैठे हैं और अब हम यहाँ पर एक सब अपनी अपनी राय भी देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा टेक्निकलिटीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन सबसे पहले माहौल बनना चाहिए, जब आप उस ऑरा के अंदर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा पता नहीं जब ये पढ़ रहे थे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे एक असाई की रिक्वेस्ट करूँ, बहदत ज़ात की तबलीग सरापा तुम हो, याद है? मैं इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं, आपके नात नहीं याद आपको, आपको याद है किसी को? चले ओके। अच्छा, मैं फिर होने साहिर भाई यहाँ ये कहूँगा, जब मुकाबलों के मामला होते ना तो वहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं या कंपटीटर जो पढ़ रहे होते हैं तो वो अपना सारा फन दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना तो फिर वो उसको उबूर होता है, उसको पता चल जाता है, तरफ नहीं चल जाता है। हाँ आई थिंक जो मिस्टेक्स हैं वो यही, शायद डिमांड भी होती है कि आपने अपना स्थाई भी दिखाना है, अपना अंतरा भी दिखाना है, अपनी मुर्कियाँ भी दिखानी। मैं ज़रा हुनैन को बुला लूँ। हुनैन शेख साहब तशरीफ ले आइए, कराची से आपका ताल्लुक है। हुनैन आपके पास 2 मिनट होंगे, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं तेरा
आज हूँ मैं तेरा दैली नशीं, आज मैं का हम पाया चलाया हूँ चंद पलियों। बहुत शुक्रिया। मैं आप यहीं रहिए हुनैन। मैं ज़रा बात कर लूँ जजेस से, बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मैं जजेस की ज़रा राय ले लूँ। जी जी खोल दीजिए माइक। हाँ जी, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेमाया हूँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। जी सलमान, कमजोर लगे आज, बहुत कमजोर लगे होने। ओवरऑल ऑब्वियसली जो ऊपर की परफॉर्मेंसेस थी उसके मुकाबले में डल हो गए, तो और डल थोड़ा सा हो गया। जी तैयारी नजर नहीं आई कलाम में, और मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा तमाम आने वाले से, बच्चों से, जो भी आ चुके हैं, जो भी आएंगे, कि खुद भी जज किया करें कि आपकी आवाज़ पर कौन सा कलाम सूट करता है। Exactly. जब आपको खुद को अच्छा लगेगा तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। बिल्कुल। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कुछ कहना चाहता है? डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? बस बिल्कुल, जजेस ने जो बोला बिल्कुल सेट। ऑलराइट, एक मिनट रह गया मेरे पास, आप तीनों अगर आ जाएं, आ जाइए। जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है और वो मेरे पास है, ठीक है जी। मैं दो लोगों के नाम लूँगा, दोनों दो दो कदम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला नाम जो है वो है इख्तियार अली साहब का, दो कदम आगे आ जाइए। थैंक यू। इख्तियार के बाद है हुनैन शेख, आ जाइए आगे, इख्तियार के बराबर में आ जाएं। ताहा कादरी और अली रजा, आप दोनों अगले मरहले में जा रहे हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के लिए जजेस ने ये कहा है और ख़ास तौर पे इस पे लिखा है, ज़रा सी मेहनत करें, आप लोग बहुत कमाल पढ़ते हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों आगे जा रहे हैं, आप दोनों का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, बट मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत ज़रूर कीजिए। जब आप पढ़ें तो बार बार माइक से उधर जाकर वो ऐसा तासुर आता है कि आप बिल्कुल नात से हट गए, तो जब भी नात पढ़ें तो फोकस होकर पढ़ें, माइक यहाँ रखें, सांस पूरा सीने में भरकर शुरू करें, और उससे फिर आपको आसानी होगी और लफ्ज़ पूरे अदा करें। डॉक्टर साहब हमें ब्रेक पे जाना। जी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رحم الراحمين صلى الله عليه وسلم Once again, G, welcome back. Or, ab, aaj, आठवां रोज़ा जो है वो शुरू हो गया है एंड आई होप एंड प्रे कि आपको ये माइक इधर दे दीजिएगा यहाँ ला के दे दीजिएगा बहुत शुक्रिया आठवां रोज़ा जो है वो शुरू हो गया है एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोग हमारे इस ट्रांसमिशन को देख रहे होंगे जितनी खुशी जितनी सादत हमें नसीब हो रही है इसको करते हुए आई होप एंड प्रे कि वो आप लोगों को भी उसी तरह से नज़र आ रही होगी मेरी दुआएँ आप सबके साथ हैं अगर आप हमारी ट्रांसमिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं अफ्तार के वक्त यहाँ आके ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे पास खासी ऑडियंस होती है तो उसके लिए नंबर सामने दिया हुआ है आप आज भी कॉल कर सकते हैं अभी भी कॉल कर सकते हैं लोग आपकी कॉल को अटेंड भी कर लेंगे और अगर वो अटेंड नहीं करते तो आपको आप मैसेज कर दें इस नंबर पर रब्ता करें और यहाँ आ जाएं लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ जब आप आएँ तो 2 बजे तक आप आ जाएँ बिकॉज 2 बजे हम गेट्स बंद कर देते हैं 2 बजे के बाद अगर कोई आता है तो फिर उसको हम जगह नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये सारी सीट्स जो होती हैं ये फिल्ड हो जाती हैं तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप आना चाहते हैं तो फिर आप बराह करम 2 बजे तक आ जाएँ बाकी ज़िंदगी में जो कुछ आप करना चाहते हैं जैसे आप करना चाहते हैं आप वैसे करें मेरी सारी दुआएँ आपके साथ हैं हम इस वक्त कसीदा बुरदा शरीफ की तरफ जाते हैं आप लोग यहाँ मौजूद हैं माइक
आपके पास सबके पास है, एक माइक और आप दे दीजिए इनको, आपके पास है एक माइक है, एक तीसरा चौथा माइक हमारे पास कहाँ है, किधर पड़ा हुआ है, कहाँ है तीसरा चौथा माइक, एक और होगा ना, एक माइक और ले लीजिए प्लीज़, एक माइक और ले लीजिए, डू वी हैव वन मोर माइक, एक और माइक है, ये लीजिए जी, आ गया चारों माइक्स हो गए, चारों माइक्स हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम साथ साथ उन तमाम लोगों के मशकूर हैं, अपने ब्रांड्स के मशकूर हैं, बहुत शुक्रिया कनौर, बहुत शुक्रिया जाम शेरी करशी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लिप्टन का, लिप्टन द जार ऑफ जॉय, जो रंगत को भी इन्हांस करता है चाय की और मज़े को भी दोबाला करता है, ये मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आप सब भी इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यह हमारी सहर और रफ्तार दोनों का पार्ट होती है लिप्टन, सो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। इसके साथ साथ कोलगेट का बहुत शुक्रिया, कोलगेट के अलावा हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं उन सब का बहुत शुक्रिया, जिसके अंदर पामोलिव शामिल है, जिसके अंदर हमारे पास और बहुत सारे स्पॉन्सर शामिल हैं, थैंक यू सो वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़िंदगी बखैर, आपसे ठीक दोपहर 2 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।